Right. My lots of love to all children, lots of love to all teachers and parents too, if you have already joined or whatever, you know. They'll be joining, ma'am. We had a couple of events lined up today, education fair and career counseling just being some. So they have completed with one of the session. As in when they get free, they'll definitely join sure, us. Sure. Right. So you have this entire thing now to yourself where you can speak to the children, share your experiences, and then children would come up with some questions and they'll pull to you. Be a real interactive session the way you wanted it. Sure. मेरा बहुत सारा ढेर सारा प्यार सभी बच्चों को. और मुझे एक चीज देख रही हूँ, पंखा भी चल रहा है वहां तो, और मेरे यहाँ मसूरी में बहुत ठंड है. काफी ठंड है यहाँ पे मसूरी में. एनीवे, वैसे भी हैदराबाद में भी कभी गर्मी भी होता है, कभी ठंड भी होता है. बच्चों, मुझे अपने दिन याद आ गए आप उनको देख रही हो तो. लेकिन आप लोगों के समय में और हमारे समय में बहुत फर्क है. हमें मुझे याद है गांव से, मैं बहुत छोटे से गांव से हूँ, जैसा कि आप लोगों ने शायद नेट पे पढ़ा होगा, देखा होगा. और आई यूज टू गो फॉर 11 किलोमीटर्स ऑन फुट टू अटेंड द स्कूल इनफैक्ट. और मेरे लिए इतना मुश्किल होता था वो 11 किलोमीटर एवरी डे जाना. एंड विशेषकर जब मेरा स्कूल आधा किलोमीटर रह जाता था तो एक छोटी सी चढ़ाई होती थी. उस चढ़ाई को चढ़ने के लिए मैं बहुत आराम से बैठती थी, सुस्ताती थी. आई यूज टू जस्ट टू गेन मोर एनर्जी टू जस्ट क्रॉस दैट लिटिल हाइट. थोड़ा सा हाइट होता था. तो जब भी मैं, आज भी जब मैं वहां से निकलती हूँ, अपने घर जाती हूँ रेवाड़ी में जहाँ मेरा पेरेंट्स है, या फिर किसी भी जयपुर जाती हूँ, कोई भी वो वाला समय जब आता है उस वो रूप मेरे सामने, तो मुझे याद आ जाता है मेरा अपना समय कि इतनी छोटी सी चढ़ाई चढ़ने के लिए मुझे कितना सोचना पड़ता था. और वो याद आता कि एवरेस्ट कहाँ, इतनी छोटी चढ़ाई के लिए मैं सोचती थी और ये एवरेस्ट, यू नो, ये एक बहुत सरप्राइज है मेरे लिए भी. लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगी कि कोई भी चीज मुश्किल नहीं है यदि आपने किसी भी चीज के लिए जानने की कोशिश करना है तो. और उसमें मेरी जो राह हुई हिमालय की तरफ वो एक जिज्ञासा के रूप में हुई है. एंड आई वॉज वेरी क्यूरियस कि कैसे हिमालय लगते होंगे, कैसे दिखते होंगे. पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि हम हिमालय में जा सकते हैं. मेरी नॉलेज के हिसाब से मुझे लगता था कि वो एक स्वर्ग है. मैं क्योंकि गांव से, जैसे मैंने बताया, एक छोटे से फोटोग्राफ में मैं देखती थी कि माँ पार्वती और महादेव को देखती थी और उसके पीछे माउंटेन देखती थी, तो मैं सोचती ये दुनिया का हिस्सा नहीं है. लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी हुई तो मुझे सब पता चला कि हाँ, ये दुनिया का हिस्सा है और हम लोग वहां जा सकते हैं. तो उसको वहां जाने के लिए, मैं एक माउंटेनियर बनने के लिए कभी नहीं सोचा था. मैंने सिर्फ एक हिमालय को देखना है, वो बर्फ से ढके हुए पहाड़ देखना, वो कैसे लगते होंगे. आई वॉन्टेड टू जस्ट फील इट इन फैक्ट. और जब मैं वहां पे गई, वहां जाने के लिए सबसे पहले तो मेरे सामने और भी कई समस्याएं थी. जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मैं 14 साल में ही गाँव में बहुत जल्दी उम्र में शादी कर देते हैं, माने का भी छोटी है. तो somehow I managed to go to hostel so that कि गांव के लोग मुझे तब शादी के लिए सोचे ही ना हमारे बारे में, क्योंकि जैसे मैं उनके सामने जाऊंगी दिखेंगे वो लड़की बड़ी हो रही है शादी के लिए. तो वो सब चीजों को अवॉइड करने के लिए आई ज्वाइन हॉस्टल. और जब मुझे वहाँ हॉस्टल में गई तो मुझे पता चला इस एक्टिविटीज के बारे में. तो मैंने इसको जाना चाहा तो उस वक्त 1000 रुपीज मुझे जोड़ने थे. 500 रुपीज फीस था एंड 500 रुपीज मेरा ट्रेवल कॉस्ट एंड दूसरा कोई भी कॉस्ट सब मिला करके मुझे 1000 रुपीज जोड़ना था. ये बातें मैं बहुत कम, अभी पता नहीं क्यों अतिशा जी से और कीर्ति मैडम से ही मैंने शेयर किया. मैं बहुत कम इस बात को शेयर करती हूँ कि ये बात तो सबको पता है कि हाँ, मैंने पाई जोड़ा था, पैसा जोड़ा था उस पहाड़ को देखने के लिए, उस हिमालय को देखने के लिए.
किताबों का पैसा ये सबको पता है, लेकिन ये बात पता नहीं है लोगों को, मैंने उपवास करती थी। आज अगर हमको एक वक्त का भोजन नहीं मिलता है तो हम चिल्ला पड़ते हैं, हमारे पास पेशेंस नहीं होता है, लेकिन मैं अपनी एक जिज्ञासा को पूरा करने के लिए मेरे हॉस्टल में उपवास रखती थी, एक दिन भोजन करती थी कि दूसरे दिन नहीं करूंगी कि मेरा पैसा बच जाएगा। यू नो दैट वाज मैं बहुत ही उससे मैंने पैसा जोड़ा, मतलब मुझे 2 रुपए भी मिल जाते तो उसको मैं अपने उसमें डाल देती थी कि ये मेरा इस हिमालय को देखने के लिए है। तो ये सब चीजें, इवन किताब के भी पैसे थे, वो भी मैंने किताब नहीं खरीदी, और मैंने क्या किया कि लाइब्रेरी जाकर के नोट्स बनाती थी और वापिस फिर दे आती थी, दूसरी किताब लेके आती थी। तो इस तरीके से मैंने काफी, दो आई एम फ्रॉम वेरी वेल टू डू फैमिली, मेरे 5 भाइयों की 1 बहन और मेरे पास कोई किसी की कमी नहीं थी। आज भी मेरा जो गांव का घर के अलावा शहर का घर वही 16-17 कमरे का घर है, एंड दैट टू वेरी ह्यूज बिग रूम्स एंड ऑल। जब मैं पैदा हुई थी तो गाड़ी थी, ट्रैक्टर था, लेकिन वो जैसे, लेकिन बिजली नहीं थी, हमारे गांव में बिजली नहीं थी, हम दिए की चांदनी में पढ़ते थे, और इसीलिए मैं उसको अवॉइड करती थी उस दिए के चांदने में, क्योंकि काफी फ्यूम होता था और मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो मैं अपना होमवर्क जो है स्कूल में ही पूरा करने की कोशिश करती थी। तो इस तरीके से हम लोग, और फिर क्योंकि पैदल आते आते हमें काफी, विशेषकर सर्दियों में इतने दिन छोटे होते हैं, तो ये कई समस्याएं थी हमारे सामने। तो मुझे बहुत याद भी नहीं कि गाँव में मैंने बहुत क्या पढ़ा था, लेकिन जब मैं हॉस्टल में गई तो मैंने एक्चुअल में पढ़ाई की, और एक भी समय मैं बर्बाद नहीं करती थी। मैं आप लोगों से बच्चों एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जीवन में यदि आपको स्वस्थ रहना है, और स्वस्थ रहना ही सबसे बड़ा उद्देश्य है एक मानव का, जो मैंने समझा, जो मुझे समझ में आया, और वो उद्देश्य स्वस्थ रहने का जो है वो बिना सुबह उठे हुए नहीं हो सकता है। मेरे माता पिता के संस्कार दिए हुए, वो लोग सुबह 3:30-4 बजे उठ जाते थे, मैं उनके साथ उठती थी। उसके बाद जब मैं हॉस्टल गई, आई डिड नॉट चेंज माई हैबिट, रादर आई इम्प्रूव माई हैबिट। मैं 3 बजे शार्प उठ जाती थी, क्योंकि जब मैं हॉस्टल में गई तो मैंने पाया कि लड़कियां बहुत स्मार्ट हैं, बहुत एजुकेटेड हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, और मैं अपने आप को उनके मुकाबले में कम समझती थी कि मुझे और इम्प्रूव करना है अपने आप को। तो विशेषकर क्योंकि मैं एक हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ी थी, अप टू 12th क्लास मैं एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी थी, तो वहां जाकर के मैंने देखा कि सभी लड़कियां बहुत अच्छे से इंटरेक्ट करती हैं इंग्लिश में और बड़े स्मार्टली। तो आई थॉट कि आई शुड इम्प्रूव दिस लैंग्वेज, आई शुड लर्न दिस लैंग्वेज। सो मॉर्निंग में 3 o'clock उठ करके, नहा धो करके सबसे पहले मेरा काम होता था कि 2 hours आई यूज टू रीड माई ऑन सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स में ऑनर्स कर रही थी। और मेरे लिए एक और समस्या थी, क्योंकि पूरे हॉस्टल में कोई इकोनॉमिक्स पढ़ ही नहीं रहा था, तो मैं किसी से कैसे इंटरेक्ट करूंगी, कैसे अकेली पढ़ती थी, तो मेरे लिए और एक और ये समस्या भी थी। लेकिन फिर भी उसके बाद न्यूज़पेपर आ जाता था, न्यूज़पेपर आने के बाद मैंने 2 डिक्शनरी खरीदा, इंग्लिश टू इंग्लिश और एक हिंदी टू इंग्लिश, और एवरी डे आई यूज टू लर्न जस्ट इम्प्रूव वोकैबुलरीज, मोर वर्ड्स, और स्पेशली डिफिकल्ट वर्ड जो मुझे नहीं आते थे उनको। तो न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते 2 काम हो गए मेरे, GS मेरा बहुत अच्छा हो गया, तो जब हम UPSC लिखे तो मुझे उसमें बहुत मदद मिला, उसी तरीके से इंग्लिश भी इम्प्रूव हो गया। तो ये कई तरह की ऐसी चीजें हैं जो कि मुझे सुबह उठने से केवल अपना, मैं दुनिया से बहुत आगे हो जाती थी। मेरे हॉस्टल में लड़कियां सब बहुत लेट उठती थी, जब मैं कॉलेज जा रही होती तब वो सो के उठ रही होती थी। तो एक गांव की लड़की जिसको कुछ नहीं आता था, और मैं सचमुच में आप लोगों से, मैं ईश्वर की बहुत धन्यवाद करती हूँ ईश्वर का, कि उन्होंने मुझे
जो भी दिया तो उसको मैंने समझा और उसको फॉलो किया. ईश्वर हरेक को देता है, बुद्धि हरेक को दिया है, और ये मेरा मानना है कि हर पैदाइशी बच्चा साइंटिस्ट होता है. इनफैक्ट जरूरत है उनको अपने पेरेंट्स और टीचर्स को सुनने की और हमारे आसपास जो चीजें है उसको एक्सप्लोर करने की. और हम जितना ज्यादा स्वयं से सोचेंगे, ठीक है मोबाइल है उसका एक बेनिफिट है लेकिन उसके बहुत डिसएडवांटेज भी है, उसको उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए जितनी जरूरत है. क्योंकि कई बार हम लोग, हमारी जो सोच है वो लिमिट हो जाती है क्योंकि हम वी आर डिपेंडेंट ऑन. आप किताबें जितना पढ़ेंगे, जितना आप लिखेंगे, उतना ही आपकी मेमोरी बहुत अच्छी होगी. ये मैंने किया है क्योंकि ये सब बातें जो मैं कह रही हूँ ये मैंने किया. मुझे कोई चीज समझ में नहीं आती थी क्योंकि हॉस्टल में रहती थी, टीचर कई बार नहीं होती थी अवेलेबल हमारे पास, तो मैं क्या करती थी एक ही उस चैप्टर को या उस पैराग्राफ को जब तक मुझे समझ में नहीं आता मैं पढ़ती रहती थी. एक बार नहीं, मैं 10 बार पढ़ जाती थी, 20 बार पढ़ जाती थी. जब तक मुझे समझ में नहीं आता तो मैं पढ़ती रहती थी उसको, और मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगता था. उसका कारण है समझ में आने का, क्योंकि आप जो है आपके अंदर एक भाव उत्पन्न होता है. जब तक आपके अंदर वो भाव नहीं होगा, क्योंकि बार बार आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उसको, आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो समझ में आने लगता था. और क्योंकि इसके ब्रेन एक्सरसाइज बहुत हो जाती है इनफैक्ट इससे, और ब्रेन एक्सरसाइज होती है तो आपकी बहुत सारी चीजें जो है आप इमेजिन करने लगते हैं. इनफैक्ट आपकी इमेजिनेशन पावर बढ़ती है. पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जितना हम मोबाइल के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, ठीक है उनसे हमें इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए जैसे किताब से हम इन्फॉर्मेशन लेते हैं, पर बस उसके बाद हमें सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए. वी शुड बी थिंकर इनफैक्ट, और उसके लिए हमें कभी खाली बैठना चाहिए, विचार करना चाहिए कि क्या हमने जो पढ़ा है उसके पीछे की क्या क्या मकसद है, क्या क्या कारण है इनफैक्ट. एंड अगर कोशिश करें नेचर के साथ अपने आप को इंट्रैक्ट करिए, नेचर के पास जाइए, खेती कीजिए. आप घर में थोड़ा गमला लगाइए, उसमें कुछ ना कुछ उगाइए. क्योंकि मुझे याद है मेरा बचपन, मैं हॉस्टल में भी कुछ ना कुछ लगाती रहती थी प्लांटेशन, और जब मैं घर पे भी आती थी तो फावड़ा लेकर के लग जाती थी क्योंकि बहुत बड़ा घर हमारा, काफी आंगन काफी बड़ा था, लॉन काफी बड़ा था. तो उसमें मैं अभी तक मेरे घर में दो मैं नहीं खावा था, लेकिन मेरे जो नेफ्यूज है नीज है वो लोग जामुन खूब लगता है, जामुन लेते हैं वो लोग, फिर अमरूद का पेड़, मैंने कितने पेड़ लगाए आज वो सब फल दे रहे हैं. और खूब बारिश ऊपर से हो रही होती थी और मैं खुदाई कर रही होती थी. मेरी माँ बोलती थी कितना तुम बारिश में कौन खुदाई कर रही हो, माली आते हुए भी, लेकिन मैं खुद लग जाती थी, खुद खुदाई करती थी. क्योंकि उसमें ना मुझे बहुत मजा आता था, उसमें मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता था इनफैक्ट. तो हमें ना मतलब हमें सिर्फ एक किताब ही नहीं, हमें एब्सोल्यूट फिजिकल एक्सरसाइज खूब करना चाहिए. हम जितना घूमेंगे, जितना वर्क करेंगे, आप जब धूप में जाएंगे तो आपका ब्रेन और ज्यादा अच्छे से वर्क करता है. इनफैक्ट हमें सनबाथ लेना चाहिए. तो ये सारी चीजें हैं जो कि मुझे लगता है कि काफी, मैंने इवन जब मैं पहाड़ों में गई तो वहां पे भी लोगों ने कहा कि इतनी पतली दुबली है, नाजुक सी, कैसे करेगी क्लाइंबिंग. क्वेश्चंस मेरे ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए थे, लेकिन मैंने उस चीज को कभी भी ये नहीं सोचा कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं. मैंने वो बातें मुझे did not affect me at all, प्रभावित नहीं किया, क्योंकि मैंने बहुत बड़ा माउंटेनियर और बहुत बड़ा सपना देखा ही नहीं था. मैंने एक छोटा सा सपना देखा था कि मुझे पहाड़ देखने, एंड दैट वाज वेरी, आई वाज वेरी फॉर्चुनेट कि वो जो इंस्टीट्यूट था वो पूरी तरह से पहाड़ों से घिरा हुआ था, तो मेरी इच्छा तो पूरी हो गई. तो मैंने ये अपने आप को कहा, संतोष टीचर जो भी कहे आप उसको जस्ट फॉलो इट, बाकी का
एक महीना रहना है, फीस दिया है, आराम से खाओ पियो और मस्त रहो बिंदास। तो ये सारी चीजें मेरे साथ हुई और वेरी वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी दैट लास्ट डे ऑफ माय ट्रेनिंग माय नेम वाज अनाउंस्ड द बेस्ट ट्रेनी ऑफ द कोर्स एंड आई वाज शॉक्ड। आई सेड मेरे से भी अच्छी लड़कियां थी, व्हाई माय नेम इज बीन अनाउंस्ड। मैं बहुत छोटी थी, सबसे छोटी थी, आई वाज 17 प्लस एंड ज्यादातर गर्ल्स जो थी वो 20 एंड 20 अबाउट 25 थी। तो वी वर 64 गर्ल्स ऑल ओवर फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया और मैं वहां पर बहुत सरप्राइज हुई और सोचने लग गई कि ऐसा कैसे हो गया। बल्कि मुझे याद है अभी भी एक तेखला जगह है, वहां भी हमें ले जाया गया था। 20 किलोमीटर हमें वॉक करना था, एक नक्शा दिया एंड 20 किलोग्राम्स का मेरे पीठ पे, सभी की पीठ पे हमारा डाल दिया गया था कि इसको कैरी करके वहां तक ले जाना है। मैं जब वहां पहुंची, देयर वाज जस्ट नोबडी वाज देयर, ओनली टू इंस्ट्रक्टर वर देयर एंड दे आस्क्ड मी वेयर आर द अदर गर्ल्स। आई थॉट कि ये मेरा मनोबल बढ़ा रहे हैं, शायद मैं सबसे लास्ट में आई हूं, ऐसा मैंने सोचा, मुझे एनकरेज करने के लिए ऐसी बात बोल रहे हैं। और मैं बहुत शर्मा करके वहां से भाग गई। जब मैं नीचे आने लगी तो मैंने काफी नीचे आ गई, तब मैंने देखा कि सभी गर्ल्स आ रही हैं अभी। तो मैं बड़ी सरप्राइज होगी कि ये कैसे हो गया। मैं तो मतलब क्योंकि पहाड़ों में एक तरफ पहाड़ होते हैं, एक तरफ नदी होती है, बीच में रास्ता होता है एंड देयर वाज नो अदर वे। तो मैंने सोचा मैंने इनको कहाँ छोड़ दिया एंड आई वॉज नॉट रियली वेरी, मतलब बहुत आगे नहीं थी मैं, क्योंकि सब लोग बहुत, जब शुरुआत की चलने की तो सब लोग बहुत हसल बसल, एकदम एक दूसरे को पीछे करने की कोशिश में थे, आगे जाने की कोशिश में लगे हुए थे एंड आई वॉज वेरी रिलैक्स एंड कूल, पूरा पहाड़ को एंजॉय करते हुए और आराम से चली हुई थी मैं। फिर मुझे याद आया कि हाँ मार्केट पड़ा था रास्ते में, तो हो सकता है कि वो लोग बहुत फास्ट शुरुआत किए और थक गए, तो क्योंकि हम लोग अभी, हमारा ओरिएंटेशन नहीं था, एक दूसरे को हम लोग नहीं जानते थे और हमारा यूनिफॉर्म भी नहीं था कि एक जैसा, तो वो लोग रास्ते में कहीं बैठे होंगे। तो मैंने बहुत ध्यान नहीं दिया और मैं अपने आराम से एक ही चाल में, आई डिड नॉट स्टॉप इन बिटवीन। जनरली मेरी हैबिट है, मैं अगर कोई काम शुरू करती तो मैं जब तक वो काम पूरा नहीं होता तो मैं स्टॉप नहीं करती हूँ, मैं कंटिन्यू उस काम को करती हूँ। और जब मैं पहली पहुंची तो द इंस्ट्रक्टर्स वर वेरी इम्प्रेस्ड इनफैक्ट, क्योंकि मेरा जो मेडिकल भी हुआ तो आई वॉज अनफिट इन दैट, मेरा लंग्स बहुत छोटे, बोले कि सांस ही कहाँ, प्राणवायु का ही वो है प्रॉब्लम, ये कैसे लेगी, इसका लंग्स ही इतना छोटा है। Because I was never a sports person and the girls from, most of the girls from hills. So they were in practice climbing up and down. So they were having very large lungs. So mera to bahut chota aur phir underweight. So there was, so instructor bahut impressed ho gaye humse. And they immediately after 2-3 days, they made me a leader of one of the group. एंड देन स्लोली आई वॉज रियली परफॉर्म स्टार्ट परफॉर्मिंग। तो मुझे ऐसा लगा कि ये सब कैसे होता जा रहा है, तो मैं सोचती भी थी। तो मुझे एक बात समझ में आई कि ये इसलिए हो रहा था क्योंकि मेरी एनर्जी जो थी, मैं बैटरी लो हो गया, तो मेरी एनर्जी जो है वो बची हुई थी। इनफैक्ट लोगों की एनर्जी जो है वो काफी कंज्यूम हो जाती थी क्योंकि दे वर हैविंग कंपटीशन इन द माइंड एंड सिंस मेरे पास, मैं कोई कंपटीशन नहीं करती क्योंकि मुझे ये था कि जब हम कंपटीशन करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं हमारे मन में द्वेष भी आता है, हम एक दूसरे के आगे जाने की कोशिश करते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे अंदर एक कभी कभी फ्रस्ट्रेशन भी आता है कि कहीं हम लोग पीछे नहीं, तो एक डर भी पैदा होता है और डर से क्या होता है कि हम कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी को लूज करते हैं, हमारी एनर्जी सिकुड़ जाती है, श्रिंक होती है हमारी एनर्जी। इसलिए कभी डरना नहीं चाहिए, हमें जो टास्क मिला है
उसको पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। इसीलिए मेरे हमेशा माइंड में ये रहता था कि जो मुझे टीचर ने दिया है टास्क, मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूंगी। मेरे माइंड में कभी, अभी मुझे एक बचपन का भी चीज याद आती है, जब हम खेलते थे, छोटे बच्चे होते थे तब, तो मुझे कोई खिलाता नहीं था जनरली, मुझे भगा देते थे मेरे कजन्स वगैरह सभी, मेरे ब्रदर्स वगैरह सब भगा देते थे। तो मैं बोलती थी कि मुझे भी खिला लो, तो वो बोलते थे कि नहीं नहीं अच्छा फिर मैं उनको बताती थी कि अच्छा ये जो भी जितने भी कंचे हैं जो मैं जीत जाती थी, तो मैं उनको बोलती थी कि मैं ये वापिस कर दूंगी तुम लोग को, मुझे लेकिन खिला लो। पर वो लोग बोलते थे कि नहीं नहीं तुम अगर हारोगी तो ही हम खिलाएंगे, तुम हार जाओगी तो हम खिलाएंगे, तो नहीं तो नहीं खिलाएंगे। तो मैं उसको, क्योंकि मुझे खेलने का बहुत शौक था, तो मैं कहती थी कि ठीक है मैं हार जाऊंगी पर मुझे खिला लो एटलीस्ट। तो मैं खेलने लगती थी, तो जब मैं खेलती होती थी तो मुझे सचमुच पता नहीं चलता था कि अब जब मेरा लास्ट वो जब हाथ से छूट जाता था कंचा, तब मैं रियलाइज करती थी कि मैं तो जीत रही हूं। तो मेरी पिटाई भी होती थी, तो फिर मैं बड़ी एक्शन में खेलती थी कि मैं दौड़ जाऊंगी वहां से, और मैं दौड़ जाती थी। मैं ये भी नहीं देखती थी वो कंचा कहाँ गया, आई जस्ट रन, और भाग करके मैं नीम के पेड़ पे चढ़ जाती थी। और नीम के पेड़ पे चढ़ करके मैं बहुत पतली पतली, ये लोग सब मेरे पीछे भागते थे मेरे कजन्स, मैं बहुत पतली पतली टहनियों पे चढ़ जाती थी, और वो लोग मुझे कैच काफी पकड़ने की कोशिश करते थे। फिर मेरा एक कजन था बहुत पतला दुबला था, तो वो दौड़ता मुझे पकड़ने की कोशिश करता, तो तब तक मैं नीचे कूद जाती थी। वी वर सो, मतलब बॉडी फ्रेजाइल था हम लोगों का, कि हमें ये डर नहीं होता था कि हम नीचे गिर जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, चोट लगेगी, बस गिरना है, कूदना है। कितनी ऊंचाई से मैं कूद जाती थी नीचे, फिर 2-3 घंटे में बाहर नहीं आती थी, जब तक कि मेरे ब्रदर्स मुझे वो भूल ना जाए कि अभी मेरी पिटाई होनी है, क्या है, सब चीजें बड़ा होता था। तो इस तरीके से मैं आप लोगों से जो बातें मैंने कही हैं, ये एक, आप जब आवश्यकता में जीते हैं, अनावश्यक चीजों में नहीं जाते हैं, तो आप भय से भी मुक्त होते हैं, कोई लालच नहीं होता आपके पास। मेरे पास कोई लालच नहीं था कि मुझे फर्स्ट आना, मुझे बेस्ट ग्रेड लेना है, लेकिन मेरे जो टीचर ने टास्क दिया उसको पूरा करना है, ऐसा मेरे अंदर एक भाव था। एंड दैट रियली जो भी मुझे मिला, और सबसे बड़ा, बाद में आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं एक बात इस बात को कहकर के अपनी बात को पूरा करूंगी, कि जो मैंने जीवन में समझा है, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट जो बात समझी वो है कि हमारा, उसको बोलते हैं प्रारब्ध पहले भयो जन्म पाछे, यानी कि हमारा जो जन्म होता है हमारे कर्मों के आधार पर होता है। हमारे जीवन में एवरीडे जो भी हमें मिल रहा होता है वो हमारे कर्म के आधार पर मिल रहा होता है। एक ही माँ का बच्चा कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, क्यों हमारे अलग अलग, कोई फिलोसफर बन जाता है, कोई साइंटिस्ट, कोई पायलट, यू नो यू, क्यों? तो ये सारी चीजें जो है, जब मैं क्योंकि हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ी, मेरे ब्रदर्स इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े, तो जब मेरा बहुत नाम हो रहा था तो लोगों ने कहा कि आपके साथ जेंडर बायसनेस हुआ है, तो मैंने कहा नहीं 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 मेरे साथ नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। कहते कैसे, आपके ब्रदर्स तो, क्योंकि वो लड़के थे वो अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़े और आप तो हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ी है। ऐसे कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट। तो बहुत उन्होंने कहा कि, मैंने कहा इसको लिखना नहीं है इस तरीके से, क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, उनको बहुत प्यार करती हूँ, वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं, यदि आप उनके बारे में ऐसा लिखेंगे तो अच्छा नहीं है। बहुत जब जिद करने लगे तो मुझे उनको बोलना पड़ा कि शायद हो सकता है कि मेरे भाग्य में पैदल जन्म लिखा हो। जब भी जीवन में कष्ट आता है या बहुत ज्यादा संघर्ष होता है, बच्चों एक बात याद रखना, उसके दो ही कारण होते हैं, तीसरा कारण मैं नहीं जानती, आप लोग जरूर ढूंढने की कोशिश करना। नंबर वन, हमारा पुराना हिसाब किताब चुकता हो रहा होता है, राइट? कई बार टीचर बोलती है ना, गलती किसी और ने की होती डांट किसी और को पड़ जाती है गलती से। मेरे घर में भी ऐसा होता था कई बार, हाँ, गलती मैं करती थी भाई को डांट पड़ गई, कभी भाई गलती करता था डांट मुझे पड़ गई है, ऐसा होता था। तो मैं अपने भाई को बोलती थी कोई बात नहीं, हिसाब किताब पूरा हो गया है,
क्यों तुम परेशान हो रहे हो? तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स यू नो. तो मैंने उनको कहा कि मेरी या तो हमारा हिसाब किताब चुकता हो रहा हो, तो या ईश्वर हमें बहुत बड़ी कोई जिम्मेवारी के लिए तैयार कर रहा होता है. हमें जब बहुत संघर्ष देते हैं, बहुत टफनेस देते हैं, तो वो जानता है कि ये व्यक्ति टफनेस को सहन कर सकता है, तो वो आपको और टफ, तो उसे घबराना नहीं चाहिए. उसे हमें क्या करना चाहिए, हमें दोनों ही स्थिति में वेरी हैप्पीली वी शुड एक्सेप्ट इट, और हमें उसको आगे बढ़ना चाहिए. ये मेरा सोचना है. इसलिए कभी भी कोई भी छोटा सा भी गलती होता है, वह भी हमें एवरी एक्शन एंड रिएक्शन, द थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, इक्वल एंड अपोजिट. हमारा एक छोटा सा भी मिस्टेक जो होता है ना, उसका हमें मिलना ही है. कोई इसको टाल नहीं सकता. उसको हमें वी हैव टू फेस इट. हम सोचते हैं कि हमारे माँ बाप बचा लेंगे, वो कभी नहीं बचा सकते हमें, जबकि वह सबसे बड़े सुरक्षा कवच होते हैं हमारे. हमारा गुरु भी नहीं बचा सकता हमें. हमारे जो ईश्वर है, कुदरत जिसको कहते हैं हम, उस वो भी हमें नहीं बचा सकता. यदि वो किसी को बचाने लगा तो लंबी लाइन लग जाएगी लोगों की, गलत काम करने वालों की. अब इसके लिए घबराना नहीं, गलती हो जाती है तो उस गलती का एक ही इलाज है कि उसको रेक्टिफाई करना. हमें एक गलती हुई तो 10 काम अच्छे कर डाल दीजिए. दिस इज द ओनली वे टू सेव योरसेल्फ. और आपने आपको बचाना है तो यही एक तरीका है, लेकिन जो हुआ उसका तो आपको, वो तो यू हैव टू फेस इट. इसीलिए एवरी डे आप सोने से पहले, उठने के बाद यही सोचना है कि मुझसे क्या कोई भूल तो नहीं हुआ है, कोई मेरे साथ कोई भूल तो नहीं हुआ है. अगर हुआ भी है, आपस में एक दूसरे के प्रति जितना हम द्वेष रखेंगे, जितने भी हम बीमार होते हैं, वो कारण हमारे कर्म है. हमारी गलतियों से हम बीमार होते हैं और कोसते हम ईश्वर को है, ईश्वर को कभी नहीं. मैं तो कई बार मेरे हाथ में कुछ कट लग गया तो मैं कहती हूँ हो गया मेरा नलीफाई हो गया. इसीलिए हमें इस बात को विचार करना है, सोचना है. लाइफ इज वेरी वेरी ब्यूटिफुल. इनफैक्ट सिर्फ आपको ये देखना है कि अपने आप को स्वस्थ रखना, और स्वस्थ रखने के बस सबसे इम्पोर्टेंट है कि सुबह जल्दी उठे. जल्दी उठने के बाद, जल्दी जब उठेंगे सुबह में, तो आपका एक, आपको ये लगेगा कि हम आवश्यकता में जिए अपने आप ही. देर आर सो लोड ऑफ एनर्जी इनफैक्ट विच विल गाइड यू कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना. और मेरे लिए, मेरा तो गुरु ही मेरा चित्त. आपका चित्त जो है वही आपका गुरु है. सबसे पहला गुरु वही है. बस जरूरत है कि उसको आप अपने लालच, द्वेष, क्रोध है, इनसे अगर दूर रहेंगे तो वो अपने आप ही आपको गाइड करेगा. तो ये सब चीजें थी. इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देती हूँ, और आप लोग के पास जो भी क्वेश्चन होगा मैं उसका जरूर जवाब देने की कोशिश करूंगी. After such an inspiring and engrossing speech by Santosh ma'am, may I now invite my friends from classes 9th and 10th to satiate their curiosity using their queries. Request the children to enable their video also so that you are visible. Right, one to one we can have that kind of interactive session.
और मैम आपने इतना अच्छा बोला, मुझे लगता है कि सब बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिला है। इतना आसान नहीं है जितना आपने उसको साउंड करवाया है कि ऐसे ऐसे ही देखते ही देखते ही सिर्फ एवरेस्ट चढ़ गए। पता है हमने कितने प्रयत्न और यत्न लगे होंगे इस चीज को करने में, और कोई कसर नहीं छोड़ी होगी। ये सुनने में बहुत ही सरल सा लग रहा है कि माउंट एवरेस्ट चढ़ लिए ऐसे ही जल्दी जल्दी, बट नो नो नो, उसमें बहुत बहुत आजकल के बहुत जो पापड़ बेलने पड़े, बहुत पापड़ जनरेशन बेलने है, पड़े। हाँ इतना, जी 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 हाँ। सो डियर चिल्ड्रन प्लीज रिमेम्बर, हमारे पास अभी वो टूल्स हैं, उस टाइम पे वो टूल्स भी नहीं अवेलेबल थे। तो कैसे मैम ने, जैसे उन्होंने बताया कि अपने ही फंड्स इकट्ठा किया, क्योंकि उनको ये लगन था कि मुझे कुछ करना है, मुझे इस पहाड़ पे चढ़ना है। हाँ जैसे मैम ने बोला, हमें अपना वो पैशन पहचानना है, वी मस्ट रेक, ठीक है, और उसकी तरफ करना है अपनी वैल्यूज को ध्यान रखते हुए। एट नो टाइम शुड वी गिव अप ऑन आर वैल्यूज, ठीक है। तो इतना सारा मैम ने बताया कि कैसे हिंदी मीडियम स्कूल से उन्होंने ये ठाना था कि जहाँ वो अपनी एक आइडेंटिटी बनाएंगे, और इकोनॉमिक्स में उन्होंने ऑनर्स किया, ठीक है। तो इधर इन चीजों से क्या हमने सीखने को मिला है डियर चिल्ड्रन, कि वी शुडंट टेक थिंग्स जस्ट एज इजी एज दे कम, राइट, वी नीड टू वर्क हार्ड। तो जो भी मैम ने आज बोला है, चाहे कुछ भी हो, आपको कितना भी लगे कि ये जो कार्य है बहुत डिफिकल्ट है, मैं नहीं कर पाऊंगा, गेट ओवर दैट काइंड ऑफ अ थिंग, बी डिटर्मिंड, कर पाएंगे आप लोग, राइट। एंड हु एल्स हैज गिवन दिस इंस्पिरेशन, नन अदर देन संतोष, राइट। नाउ यू कैन पुट द क्वेश्चंस अक्रॉस डियर चिल्ड्रन। बहुत इंस्पायरिंग और सरल तरीके से मैम ने समझा ये सारी चीजें आज, नोट देम डाउन, आई होप यू आर ऑल डूइंग इट डियर चिल्ड्रन। सुबह उठना, राइट, अपने काम से एक शेड्यूल बनाना, नॉट टू गिव अप होप, बिल्ड दैट स्ट्रेंथ, रेजिलियंस, ये सारी चीजें यू हैव टू नोट डाउन, क्योंकि दे आर नो शॉर्टकट्स टू सक्सेस, है ना संतोष मैम, यही है यस, ना। दैट्स ट्रू इनफैक्ट, बिल्कुल बिल्कुल। मैं कितने कितने वर्ड्स याद सो नाउ करती वी थी पुट द इनफैक्ट, क्वेश्चंस, मैम इज गोइंग टू, एंड माय स्पीच वाज कंपेयर्ड विद जॉन एफ कैनेडी व्हेन आई वाज इन इंग्लैंड, व्हेन आई वाज इनवाइटेड देयर टू शेयर माय एक्सपीरियंसेस इनफैक्ट, एंड देयर मे बी 10 और 12 कंट्रीज वर पार्टिसिपेटिंग देयर, and I was the most simplest, my presentation was the most simplest one, and later on they have decided to organize more lectures, और मुझे वहाँ पे उसके लेक्चर के काफी हाई फाई बाउंस दिए जा रहे थे, तो आई सेड नो नो आई डोंट वांट टू चार्ज बिकॉज आई ऑलवेज फ्री आई डू, यहाँ तो टिकटिंग लग रहा है आपका, इसका क्या करेंगे। मैंने कहा जो भी करना आप करिए, बट माय संकल्प इज अ संकल्प, संकल्प के कोई विकल्प नहीं होता, जब हम विकल्प ढूंढने लगते हैं तो फिर संकल्प कमजोर पड़ जाता है। इसलिए बच्चों कभी भी आप जब भी, इनफैक्ट जब मैं छोटी भी थी तो मुझे याद आता है कि वो छोटी सी चढ़ाई मैं नहीं चढ़ पाती थी और आज ये कैसे चढ़ पा गई हूँ। तो ये एक जब आपके अंदर एक जिज्ञासा होती है तो वो एक उद्देश्य को सेट कर देती है, और क्या होता है कि आप जब उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए आपको जब काफी मेहनत करनी पड़ती है तो वो मेहनत जो है केवल आपको उस टास्क तक पहुंचाने की पहुंचाता ही नहीं है, बल्कि आपके विवेक को जगाता है। इनफैक्ट आपका विवेक जगता है, और वो विवेक कैसे जगता, जब तक हम उस टास्क तक पहुंचने के लिए जो हमें संघर्ष करना पड़ता है, जो हमें आइडियाज कि हम ऐसे नहीं तो हम ऐसे सॉल्व कर सकते, ऐसे नहीं तो हम ऐसे सॉल्व कर सकते इस प्रॉब्लम को, तो वो बहुत सारे, अभी तो मैंने बहुत चीजें बताई नहीं है क्योंकि इट्स लॉट ऑफ, कभी भी मैं आपको वेलकम करती हूँ आप लोग, क्योंकि मेरे पास आए बच्चे आते हैं मेरे पास, एक सप्ताह ठहरते हैं और मैं बकायदा पूरा समय देती हूँ उनको, और आप लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं, मेरे साथ बैठ सकते हो और बातें कर सकते हैं, जैसे मैं गंगोत्री में भी, मसूरी में भी और मनाली में भी, तो जहाँ पे भी आप लोगों को जब ये सारा खुलेगा, हाँ कोशिश करें ईश्वर जल्दी से इसको खोले और आप लोग आए मेरे पास और हम लोग मोर इंटरेक्ट कर सकते हैं। जी आप क्वेश्चन करें, जी मैं ही बोलती रह जाती हूँ। थैंक यू मैम, आई वुड रिक्वेस्ट माय फ्रेंड्स फ्रॉम क्लासेस 9 एंड 10 टू सेशिएट देयर क्यूरियोसिटी बाय पोजिंग देयर क्वेरीज। Thank you.
हमारे द रीच फॉर द टॉप मैम बोल रहे थे कि आपने जब अपने कि आप बाहर जाकर लोग स्टार्टिंग में अप्रूव आपके भाइयों का उनको पता चला कि आप बाहर जाके पढ़ना चाहती हैं और आप माउंटेनियरिंग करना चाहती हैं मैम, तो उनका रिया पहली बात है मैंने उनको बताया नहीं कि मैं माउंटेनिंग करना चाहती हूँ, मैं हॉस्टल से ही चली गई थी। और ये एक इनफैक्ट जब आप बहुत इमेजिनेशन करते हैं और बहुत ही ज़्यादा उस विषय पे सोचते रह जाते हैं तो इट्स ए साइंस इनफैक्ट और वो वर्क करती है। लेकिन मैंने कभी भी एक चीज़ मैंने ध्यान रखती थी कि मैं मॉरल वैल्यूज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करती थी, मेरा मॉरल वैल्यूज बहुत हमेशा रहता था। और क्योंकि मैं हॉस्टल में रहती थी और वहीं से मैंने बकायदा पिताजी को लेटर लिखा और मेरा हमेशा ये सोचना था कि अगर मैं घर चली गई तो वहाँ से आना माउंटेनिंग के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि पेरेंट्स जो है वो एकदम डर जाएंगे, एक ही बेटी हूँ और मुझे अलाउ नहीं करेंगे। तो इसीलिए रोजाना एक इमेजिनेशन करती थी कि मेरे पेपर जो है वो मई में पूरा हो, मई में, और सो दैट कि मेरा 19th ऑफ मई को मुझे जाना था, तो मैं हमेशा ये सोचती कि मेरा 19th मई को पेपर लास्ट हो और मैं शाम को बस पकड़ के और सीधा वहां जाऊंगी, क्योंकि 21st मई को मेरा ट्रेनिंग शुरू होना था तो 20 तारीख को मुझे वहां पहुंचना था। कैन यू इमेजिन कि ऐसे इमेजिन करती थी मैं, बहुत सारी जीवन में मैंने इमेजिन किया, वो चीजें हुई। और जैसे कि वो जनरली पेपर अप्रैल में पूरा हो जाते हैं और सेशन जो है मेरा एक पेपर पोस्टपोन हो गया, जो मेरा लास्ट डेट जो था लास्ट पेपर था वो 18th of May को पूरा हो रहा था। तो मैं जब कॉलेज से आई तो मैंने जब डेट शीट देखा तो मैं थोड़ी देर के लिए परेशान हुई, ये तो 19th of May को मेरा पेपर पूरा हो रहा है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आफ्टर दैट आई जस्ट अगेन जो मेरा यूजुअल रूटीन होता था कि मैं मेस में गई और सबसे पहले मैं भोजन कर लेती थी, लड़कियां काफ़ी लेट करती थी, मैं सब जैसे ही भोजन पक गया 6 बजे करीब भोजन तैयार हो जाता था शाम के, और मैं सनसेट से पहले ही वहां पे जाकर के भोजन ले लेती थी। और उस वक्त मैं चुपचाप बैठ के सोच रही होती थी अब कैसे क्या होगा, अब नेक्स्ट कैसे होगा, मैं तो जा नहीं सकूंगी क्या, नहीं नहीं मैं जाऊंगी जरूर से, ओके मुझे कोई इमेजिनेशन करने से तो रोक नहीं सकता। और मैं एवरी डे इमेजिन करती थी उस इंस्टीट्यूट को, उस माउंटेन को, एंड कैन यू इमेजिन आफ्टर 1 week मैंने देखा कि एक और डेट शीट लगा है, एक नोटिस लगा है। तो मैं जैसे ही अंदर आई तो हमारे पंडित जी जो हमारे वॉचमैन होते थे उन्होंने कहा संतोष भाई साहब आपका कोई नोटिस लगा है इकोनॉमिक्स का है? तो अच्छा मैं जाके देखा, मैंने देखा है कि 19th of May को मेरा एक पेपर पोस्टपोन हो गया और 19th May को है वो। आई कैन इमेजिन कि मुझे अचानक क्या हुआ कि मैं एकदम उछली और बहुत खुश हुई और पूरा वहीं पे घूमने लगी। तो सभी लड़कियां देख रही है मुझे कि कितनी शांत रहने वाली लड़की, अचानक इसको क्या हुआ। तो सब लोगों ने कहा कि क्या हुआ, नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। मैंने उनसे शेयर नहीं किया कि मेरे मन में क्या चल रहा है, मैं किसी से शेयर नहीं करती थी, वो चुपचाप गड़बड़ हो जाएगा ऐसे करके मैं शेयर नहीं किया, नहीं 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 कुछ नहीं कुछ नहीं करके। और मैं जाके अपने कमरे में खूब खुश हुई और देखा कि अरे वाह चांस मिल गया। लेकिन जिस दिन मैं जा रही थी फिर मैं घर चली गई, घर आराम से 1 महीना रही, और पर मेरे मन में क्या चल रहा होता था तो कई बार ये क्योंकि इमेजिनेशन कर रही होती तो मेरे मन में काफी एक्सप्रेशंस होते थे। तो मेरे ब्रदर पूछते थे कि क्या क्या सोच रही हो, क्या कर रही हो तुम, नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं नहीं बताती थी। खैर फाइनली मैंने एग्जाम देने गई और जब मैंने एग्जाम देने के बाद जब व्हेन आई डिसाइडेड टू गो देयर वो एक बहुत बड़ा जैसा इमोशनल स्टॉर्मिंग था जैसे फॉर मी। इनफैक्ट मैं बैठ गई और मैं रोई काफी कि मैं पेरेंट्स को मतलब बिना बताए जा रही हूं, तो मेरे लिए अच्छा नहीं था वो। मैं बैठ के रोने लगी, फिर मैंने लेटर लिखा। और लेटर लिखना ये बहुत मुश्किल होता है इनफैक्ट बच्चों, ये
मेरे लिए मैंने ये डिसीजन लिया तो जरूर था, पर मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी इस बात के लिए कि मुझे कुछ मैं सीखने जा रही हूँ। मैं इस बात के लिए कन्विंस जब हो गई तब मैंने लेटर लिखा अपने पिताजी को, और उस लेटर में मैं बहुत रोई। पहले इतना मैं रोई हूँ मेरे पिताजी को लेटर लिखते लिखते, और मैं कह रही हूँ कि मैं जा रही हूँ, और लेकिन मैं अपना बहुत ख्याल रखूंगी, आप चिंता नहीं करें। तो ये बहुत डिफिकल्ट स्टेप था इनफैक्ट मेरे लिए, और वो मतलब पता नहीं कैसे एक्सप्रेस करूं मैं। बच्चों आप लोग कहूंगी कभी कभी इस तरीके का काम नहीं करना आप लोग, क्योंकि वो मेरे लिए ये एक पता नहीं कैसे मैंने कर दिया। लेकिन एवरी डे आई यूज टू रिमेम्बर माई पेरेंट्स, एज ए भगवान के रूप में मैं उनको रिमेम्बर करती थी, और हर वक्त जो है उनके उनके लिए मैं मतलब मेरे लिए वो भगवान के रूप में वैसे पूजती थी उन लोगों को, मैं याद करती थी एवरी डे, और मैं ये कहती थी कि मैं सुरक्षित रहूंगी। और यू डोंट बिलीव कि मैं एक भी स्टेप लेती थी कोई भी, मैं आई बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल इन फैक्ट। जब आप अगर कोई डिसीजन लेते हैं खुद स्वयं से, तो तभी लेना जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा सकें, विदाउट रिस्पॉन्सिबल वो ठीक नहीं होगा। आई वॉज वेरी रिस्पॉन्स बिकम वेरी रिस्पॉन्सिबल कि नहीं मेरे पेरेंट्स का, मेरे पेरेंट्स को कुछ नहीं होना, मेरे पेरेंट्स का कोई नाम खराब नहीं होना चाहिए। आई बिकम वेरी रिस्पॉन्सिबल, मोर हम्बल, मोर मतलब लाइक आई यूज टू डे नाइट, जब भी मुझे फ्री मिलती थी ट्रेनिंग से, मैं अपने पेरेंट्स के बारे में सोचती होती थी, और उनके पास आई मीन वो एक बहुत बहुत डिफिकल्ट वो स्टेप था। खैर उसके बाद जब मैं वहां से वापस आई तो मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं घर सीधा चली जाऊं, क्योंकि मेरी जो वो था घर वो पहले पड़ता था हॉस्टल मतलब जयपुर बाद में, पर मैंने घर नहीं उतर के मैं सीधा जयपुर चली गई, और हॉस्टल में मैंने 2 दिन बिताए ये हिम्मत जुटाने के लिए कि अब मैं कैसे जाके फेस करूंगी पेरेंट्स को, क्योंकि उन दिनों फोन तो होता नहीं था कि मोबाइल से आप खबर कर देंगे, सब लेटर का ही जरिया होता था, 1986-87 की बात है ये। फिर मैंने हिम्मत बनाई कि मुझे जाना है तो है घर, तो मैं घर आई, तो घर जाने के लिए मैंने सुबह का बस छोड़ दिया, दोपहर का बस छोड़ा, फिर मैंने शाम का बस लिया, ताकि मेरे मुंह बहुत वो सनबर्न हो गया था, तो वो लोग कैसे लेंगे इसको, बहुत परेशान हो जाएंगे मुझे देखेंगे कि हमारी नाजुक सी बेटी को ये क्या हो गया है। तो मैंने सोचा कि जब मैं पहुंचूंगी तो रात हो चुकी होगी तब तक, तो वो एक्चुअल में रात हो गई थी। फिर मैंने रिक्शा लिया, रिक्शा में बैठी, तो उस वक्त मैं ये सोच रही थी बैठ करके कि अब लाइट चली जाए, जनरली लाइट चली जाती थी, तो जब मैं घर पहुंची तो लाइट नहीं हो, सो दैट कि मैं जब वहां पहुंचू तो वो लोग मुझे इस तरीके का मेरा फेस और मुझे ऐसे देखेंगे तो क्या रिएक्ट करेंगे। खैर एक्चुअल में कैन यू इमेजिन कि जैसे ही मैं स्टेप मैंने नीचे रखा वो लाइट चली गई, आई वॉज सो हैप्पी। आई मीन अभी मैं आप लोगों को बता रही हूँ तो ऐसा लग रहा कि ये सब जस्ट ये क्या हो रहा था, और मैं अपने घर गई हूँ, अंदर कमरे में घुसी हूँ तो मैंने देखा कि मेरी माँ किचन में है, और मैं जाकर के जैसे उनको पकड़ती थी मैंने किचन में जाकर उनको पकड़ा, तो शी इज अ मदर, माँ माँ होती है इंसान, और माँ ने मुझे इमिडिएटली कहा तुम आ गई, अब मैं तुम्हारी करूंगी पिटाई। शी सेड, आई सेड, मैंने उनके पैर पकड़े और कहा बाद में पिटाई करना, पहले मुझे खाना दे दो, 1 महीने से आपके हाथ का खाना नहीं खाया है। आई वॉज डिप्लोमेट शॉर्ट ऑफ वेरी स्मार्ट डिप्लोमेट। तो वो मेरी माँ ने फिर मुझे कुछ कहा नहीं, मैं नहाई धोई और मुझे मैंने कुछ खाया, और पिताजी आए उससे पहले मैं जाके सो गई, अब पिताजी को फेस करना है ना। तो मैं पिताजी की बहुत लाडली, मैं गले का हार थी, आई वॉज वेरी पेम्पर्ड चाइल्ड बाय माई फादर, मेरी फादर मुझे बहुत प्यार करते थे इनफैक्ट। तो जब मैं वहां पर सो गई तो मेरे पिताजी, जब मैं सवेरे जल्दी उठ जाती हूँ, लेकिन उस दिन मैं नहीं उठ रही हूँ, आई वॉज प्रिटेंडिंग इन फैक्ट, आई वॉज नॉट स्लीपिंग,
पर मैं सिर्फ लेटी हुई हूँ कि मेरे पिताजी का रिएक्शंस क्या होगा ये देखने के लिए। फिर मेरे पिताजी मेरे बगल में आके बैठे और उन्होंने मेरे फेस को सहलाया और कहा कि कैसी हो गई है ये हाँ तो मैंने कहा मामला ठीक ठाक है। मैं एकदम उठी और उठ करके आई हग्ड माय फादर और तो उन्होंने कहा क्या क्या लेके आई। तो मैंने आई डिड नॉट टेल कि मैं फर्स्ट आई हूँ, मैंने कुछ नहीं बताया उनको। उसके बाद जब एक महीने के बाद जब मेरा सर्टिफिकेट आया सो ही टोल्ड मी अरे वाह तुम फर्स्ट आई हो तुमने मुझे बताया नहीं। तो ये दैट वाज द हाउ चीजें हुई। एनीवे Next question, please. Ma'am, you were preparing for UPSC exams while training for mountaineering. तो आपने दोनों को मैनेज कैसे किया था मैम? ये बहुत सुंदर बात आपने पूछी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। इनफैक्ट जितना आप वॉक करेंगे जितना फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे उतना ही आपका जो ब्रेन है वो बहुत जबरदस्त डेवलप होता है। इनफैक्ट योर मेमोरीज और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। वो मुझे कॉन्फिडेंस मिला, मैं मैनेज करती थी कि मुझे कितने घंटे पढ़ना है और कितने घंटे मुझे खेलना है या कितने घंटे मुझे माउंटेनिंग करनी है। मैं वहाँ किताबें भी लेके जाती थी। लोग जो है क्योंकि क्या होता है जब आप स्मार्टली कोई भी काम करते तो आपकी एनर्जी आप बची रह जाती है। जैसे मैंने कहा कि मैं द्वेष नहीं रखती थी किसी के प्रति, मुझे कोई लालच नहीं था कि मुझे वो टॉप में पहुंचना ही है, माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना ही है, बट मेरा तो हिमालय में जाना ही मुझे अच्छा लगता था, बाकी का मैं डेस्टिनी पे छोड़ देती थी। पर मैं ईमानदारी से काम करती थी और उससे क्या होता था कि मेरी एनर्जी मेरी जो ऊर्जा होती थी वो बची रह जाती थी। इनफैक्ट और सबसे बड़ा सारा जीवन में जो मैंने समझ पाई हूँ ऊर्जा का खेल है। इनफैक्ट यू हैव टू सेव योर एनर्जी योर ऊर्जा, उसको बचाना है उसको। वो कैसे बचेगी? आप आवश्यकता में, मुझे अभी भी याद है कि जब मैं हॉस्टल में रहती थी मेरे पास मात्र दो ड्रेस होती थी और तीसरी ड्रेस तो मैंने मजबूरी में खरीदी थी। क्यों खरीदा था? क्योंकि मेरे पास उस दिन बारिश आ गए थे और सर्दी था तो मैंने सोचा कि अब मेरा ड्रेस सूखेगा कि नहीं सूखा होगा इसीलिए। तो आवश्यकता में जीना ही बहुत बड़ा ऊर्जा का खेल होता है। इनफैक्ट और एक सिर्फ तेल का सीसी होता था मेरे पास और एक कंघी होता था, दैट्स ऑल। और मैं कोई खाने पीने में भी कोई मेरा अंदर से, मुझे याद अभी भी हॉस्टल से लड़कियां मुझे जबरदस्ती लेके जाती थी कि चलिए हम लोग ये क्या कॉर्नर जूस कॉर्नर पे चलेंगे, पेस्ट्रीज खाएंगे, ये खाएंगे, तो मैं नहीं जाती थी। तो कभी जबरदस्ती मुझे लेके जाती तो मैं उनके साथ जब जाती थी तो वो लोग लेते थे, मैं नहीं लेती थी। तो वो लोग बोलते थे कि हम तुम क्यों नहीं ले रही, हम लोग पैसा देंगे ना, हमारे पास पैसा है। मैं अपनी पॉकेट से पैसा निकाल के दिखाती थी कि आई ऑल्सो हैव मनी, लेकिन आई डोंट वांट टू वेस्ट माई मनी ऑन दिस, क्योंकि अभी वापस जाएंगे तो खाने का समय हो चुका होगा डिनर का और आप लोग फिर पेट भरा होगा तो डिनर जाकर नहीं करेंगे, आप टीचर से झगड़ा करेंगे मैट्रोन मैडम से कि खाना टेस्टी नहीं है, फेंक दो खाने को। तो ये सारी चीजें एक बताए, सबसे अच्छी बात क्या होती है आपके अंदर एक समझ जो होती है, तो जो समझ जो होती है ना वो हर एक को प्यार करना सिखाती है और चाहे वो छोटी से छोटी चीज का वैल्यू करना सिखाती है। इनफैक्ट तो जब आप वैल्यू करते हैं उस चीज को तो आपके पास ऊर्जा ही ऊर्जा है, तो आप आराम से इजिली मैनेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि मैं माउंटेनिंग में भी वहां पे भी लोग अपना जो अपना सामान होता था हमारा जरूरत का उसको नहीं उठाते थे, उसके लिए याक लेते थे। मैं वो याक भी नहीं लेती थी, ऊपर से मैं अपनी किताबें उठा के ले जाती थी और जब भी मुझे वहां पे टाइम मिलता था तो मैं उनको पढ़ती थी, नहीं तो खाली बैठ के सोचती थी, इमेजिन करती थी। इनफैक्ट जब आप सोचते हैं तो आपको बहुत सारे आंसर्स मिलते हैं। इनफैक्ट तो ये सारी चीजें को मैं मैनेज कर पाती थी। इनफैक्ट और आप भी कर सकते हैं, बहुत आसान है। आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स और डॉक्टर्स हुए हैं जो आपस में, बहुत बड़े साइंटिस्ट भी हुए जो प्लेयर भी रहे हैं। तो इससे बल्कि ऊर्जा बढ़ती है। इवन मैं तो भोजन भी बोलती हूँ कि अधिक भोजन नहीं, मैं बचपन से बहुत कम भोजन लेती थी इनफैक्ट,
और मेरे मेरे पास ऊर्जा मेरे ब्रदर से ज्यादा होती थी, तो कई बार वो सोचते थे, माँ से क्वेश्चन करते थे कि तुम क्या खिलाती हो उसको, इसके हाथ से हम कोई भी चीज छीन नहीं सकते हैं. एनीवे, दैट वाज हाउ आई यूज्ड टू मैनेज. इन फैक्ट, और हमेशा जब भी सुबह में आप एक घंटा वॉक करके आएंगे, आपका ब्लड सर्कुलेशन इतना जबरदस्त अच्छा होता है कि आपके न्यूरो सेल्स जो है वो बहुत जबरदस्त एक्टिवेट होते हैं और डेवलप होते हैं. इनफैक्ट इसीलिए मेरी आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं सवेरे अपना इकोनॉमिक्स पढ़ती थी और साइकिलिंग बहुत करने जाती थी या पैदल जाती थी, 1 hour 45 minutes तो मैं दौड़ने जरूर जाती थी. दैट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट इनफैक्ट. और जितना घर का काम करेंगे, मैं घर का काम बहुत करती थी, मेरी माँ को करने नहीं देती थी जल्दी से, और जब हम ज्यादा घर का काम करते हैं तो क्या होता है, जब हम ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं घर का काम, वो भी कोई भी, तो उससे भी हमारा ब्रेन जो है वो बहुत एक्टिवेट होता है. इनफैक्ट एक्टिव होता है, ब्रेन एक्सरसाइज होती है. इनफैक्ट इसलिए कई बार हम बोलते हैं ना, छोटे बच्चों से काम नहीं लेना चाहिए, ये क्या है ये नहीं, लेकिन वो बच्चा को, हम गाँव में भी जब छोटे थे, बहुत छोटे बच्चे, मुझे याद है हम 5th और 4th में पढ़ते थे, हम खेत में जाते थे और वहां खेत में खूब सारा काम करके तब हम दौड़ते हुए आते थे. तो इसलिए बच्चों से काम कराना, हाँ, लेकिन उस बच्चे को इतना रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा कि उसको पढ़ाई कब कितना करना चाहिए और कितना वो करना चाहिए. तो ये एक काम करना इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इनफैक्ट ब्रेन एक्सरसाइज होता है. इनफैक्ट आपका इनिशिएटिव बढ़ता है और स्वयं से काम करना तो और मजा आता है. पेरेंट्स को भी खुशी होती है, टीचर्स को भी खुशी होती है, जब उनको खुशी होती है वो हमेशा एक आशीर्वाद के रूप में आपको मिल रहा होता है. इनफैक्ट हमेशा आशीर्वाद लेने की कोशिश करना बच्चों, जीवन बहुत आगे बढ़ जाएगा, बहुत सुंदर होगा आपका जीवन. हट नहीं करना अच्छी चीज के लिए, जरूर आप लोगों को, हट का मतलब होता है किसी चीज को, एक विल पावर, हट एक अलग चीज है. इनका गलत चीज के लिए कभी भी, हम कभी भी अपने पेरेंट्स को दुख नहीं दिए ये करके कि गलत चीज के लिए जिद करना. सो स्टूडेंट्स, लेट्स आस्क आवर क्वेश्चंस टू मैम फास्टर सो दैट वी वैल्यू हर टाइम आल्सो. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, आई कैन गिव मोर टाइम, नो प्रॉब्लम, बट ओनली प्लीज. कोई दिक्कत नहीं है, आप पूछ सकते हैं बच्चे. हाँ जी, यस जी मैम, आपने आपको बोला था कि मैम हमने आपके चैप्टर में पढ़ा था कि आप आपके पेरेंट्स ने आपको हायर एजुकेशन के लिए अलाउ नहीं किया था, तो आपको उस टाइम पर कैसा फील हुआ और आपने कैसे, मतलब आपको कैसा लगा उस टाइम पर? मुझे ना, मैं पता नहीं, मुझे कोई खास, मैं उसकी बस अंडरस्टैंडिंग रही है मेरी हमेशा से, और मेरी अंडरस्टैंडिंग इसलिए थी कि मैं गांव का माहौल को समझती थी. इनफैक्ट क्योंकि वो जल्दी शादी करने के लिए इसलिए आतुर रहते थे कि एक बच्ची की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हमारे देश में इतने सारे लोगों ने आकर के आक्रमण किया है और युद्ध हुए हैं या जो भी हुआ है, तो उससे क्या हो गया था कि हमारा जो इतिहास को देखते हुए पेरेंट्स जो है वो जरूर अपनी बच्ची के लिए, बेटियों के लिए विशेषकर चिंतित रहते हैं. और इसीलिए कि जब शादी जल्दी हो जाती है तो लड़की अपने घर जब चली जाती है तो वहाँ वो लोगों की जिम्मेवारी जब हो जाती है सुरक्षा, क्योंकि जैसे ही अगर आप माँ बाप के पास है तो अगर कुछ ऐसा घटना घट जाती है तो गांव में कहते हैं उसकी शादी नहीं होगी, शादी नहीं होगी तो दहेज कुंवारी रह जाएगी. तो ये दे आर वेरी लॉट ऑफ वेरी नेचुरल एंड जेन्युइन प्रॉब्लम्स गाँव में, तो वो जेन्युइन प्रॉब्लम्स की मुझे समझ थी. इसलिए मैं कभी भी ना, ये पता नहीं क्यों या पुरजन का मेरा कुछ होगा, मैं समझदारी जल्दी वो कर लेती थी और उसको मैं उनके प्रति बुरा भाव नहीं आता था, तो वो मेरा काम होता था कि मैं उनको कैसे कन्विंस करती थी. कई बार मेरे पिताजी की इतनी लाडली होने के बावजूद भी उनका इतना प्यार था, वो मैं इतनी फ्रीडम दी हुई थी मुझे बोलने के लिए उनको, उन्होंने, लेकिन उसके बावजूद भी मैं नहीं बोलती थी. जब मुझे अपनी बात को कुछ कहना होता था तो मैं लिख करके उनके सिरहाने के नीचे रख के आ जाती थी.
सो दैट ही शुड अंडरस्टैंड व्हाट आई एग्जैक्टली आई वांट. क्योंकि मैं ये सोचती थी अगर मैंने उनके सामने कुछ बोला अच्छे से बात को रखा तो ये ना कह दे आने वाली जो लड़कियां होगी उनके लिए मुश्किल ना हो जाए कि लड़की को पढ़ा लिखा दिया तो वो हमारे सामने जवान लड़ाती है या मतलब बहस करती है. यानी कि आप सिंपल वे में बोलेंगे तो उसका बहस का रूप भी ले सकते कह सकते हैं. इसलिए हमें अपने पेरेंट्स का बहुत रिगार्ड करते हुए उनको वो चुपचाप उनकी उसमें चली आती लिख के रख देती थी छोड़ देती थी. सो दैट वॉज द थिंग इज इन फैक्ट. So anyway, yes, tell me. I would like to know how this success experience influenced your life. Like you now, what have you said is before the success, like before you became famous, but now after you became popular and famous, how did you balance your lifestyle? Is there any change? Like, no, my lifestyle is the same as I was earlier, simple. जो मेरा रहता था हमेशा और आवश्यकता में जीने का जो फार्मूला था मेरा वो आज भी मैं करती हूँ. और आज भी जो मेरे भाव है बल्कि और हम्बल मुझे ईश्वर ने बनाया कि मुझे इतना मुझे प्यार दिया लोगों ने. और मुझे याद है कि देखिए यदि आप ऑनेस्टली कोई काम करते हैं तो जैसे मेरे पेरेंट्स एक नई कार ही लेकर के मेरे पास गिफ्ट के लिए एयरपोर्ट पे पहुंच गए थे. पूरे गांव के लोग आ गए थे. पुलिस को मैनेज करना मुश्किल हो गया था ठीक है ना. तो लेकिन फिर भी उसने मेरी लाइफस्टाइल को चेंज नहीं किया. मेरी जो सोच है वो मेरी ट्रेडिशनल सोच चाहे मैं अपनी मर्जी से पढ़ाई की ज्यादा मैंने डिसीजन लिए अपने आप से लेकिन मेरी सोच जो है वो बहुत ही कल्चरल सोच रही है. मैंने हमेशा कल्चर को कभी भी अपने से दूर नहीं किया. मेरी सोच में हमेशा एक क्योंकि मॉरल वैल्यूज जो है वो एक कल्चर का हिस्सा है इनफैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट. और मैं आप लोगों से एक विनती करूंगी चाहे कितने भी आगे पहुंचे हर देश का अपने एक शरीर का भी कल्चर होता है इनफैक्ट. और कल्चर माने सकारात्मक चीज. अनकल्चर तो अनकल्चर होता है इनफैक्ट वो नकारात्मक चीज है. तो उसमें सबसे बड़ा जो कल्चर में मैं देखती हूं वो है प्यार. मैं हमेशा अपने आप से भी खूब प्यार करती रही हूं और सबको. मेरे मन में चाहे मुझे किसी ने कितना भी दुख दिया हो तकलीफ दिया हो पर मेरे मन में कभी भी किसी के प्रति नफरत नहीं आता है इनफैक्ट हमेशा प्यार. और ये समझती हूँ कि शायद किसी ने व्यक्ति ने भी ऐसा किया उसकी कोई मजबूरी रही होगी और उसके ऐसे भाव को बदली करने के लिए ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करती हूँ. मैं आज भी मैं बचपन में भी छोटी थी तो हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करती होती थी कि मैं सब दुनिया को खुश देखना चाहती हूँ. और वो आज भी है वो भी आज भी सोचती हूँ मैं. जी गुड आफ्टरनून मैम. आई एम आरुषि पंत. इट इज एन ऑनर स्पीकिंग विद यू मैम. तो वी रेड दैट स्टोरी इन अ टेक्स्ट बुक अबाउट योर लाइफ. तो मैम वो उतने उस छोटी सी स्टोरी से ही हमें आपके बारे में इतना पता चल गया एंड हमें इतने सारे लाइफ लेसन्स पता चले. मैम वी केम टू अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क डिटर्मिनेशन मॉडेस्टी स्ट्रॉन्ग विल बींग ग्राउंडेड मोस्ट इम्पोर्टेंटली. मैम बट माय क्वेश्चन टू यू इज इन रिगार्ड्स विद योर स्ट्रॉन्ग विल. मैम हमें हम सबको पता है कि माउंटेनियरिंग जो है इट्स नॉट ओनली अबाउट योर फिजिकल फिटनेस बट इट इज आल्सो अबाउट योर मेंटल स्ट्रेंथ. तो मोर मेंटल स्ट्रेंथ. यस मैम. सो ड्यूरिंग योर क्लाइंब वाज देयर एनी पॉइंट जब आपको ऐसा लगा कि यू कैन नॉट डू दिस और यू फेल्ट लाइक गिविंग अप एंड इफ यू डिड देन हाउ डिड यू ओवरकम दैट फीलिंग और दैट थॉट. बहुत बार ऐसे हुआ है बहुत बार. एक कहानी सुनाती हूँ आप लोगों को. वो 11th ऑफ मे की 93 की है जब मैं क्लाइम कर चुकी थी और क्लाइम करके नीचे लौट रही थी और नीचे क्या हुआ कि मौसम खराब हो गया. हम कैंप 4 में थे
और इतना मौसम खराब हुआ कि टेंट फटने लगे लिटरली, जो यस मैम मैम वी कैन हियर यू मैम. सो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था कि किस तरीके से मुझे वहां पर कैसे आना है नीचे. तो हमारी जो टीम थी पूरी वो लोग नीचे नहीं आना चाह रहे थे, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप लोग जो है नीचे चलना होगा. तो उन्होंने कहा कि अभी हवा डर लग रहा है, इतना तेज हवा है कि हम कैसे इसको करेंगे. मैंने उनको कहा कि देखिए हवा तो तेज है, इसको सामना करना पड़ेगा. एक घंटे संतोष मैम आई थिंक हमें जो है हमें मैंने कहा कि हमें किसी भी तरीके से नीचे जाना है. और वो पांचों लोग मर गए थे 1985 में. तो मैंने कहा कि मुझे ऐसा सीन नजर आ रहा था कि हमारे साथ में भी ऐसा घट सकता है. तो मैंने लोगों को कहा कि नहीं, हमें जितना जल्दी हो सके नीचे जाए, क्योंकि हमारा वॉकी टॉकी काम नहीं कर रहा था, हमारा कम्युनिकेशन नेटवर्क फेल हो चुका था, तो हमें मदद नहीं मिल रही थी नीचे से. तो जब हमारा कम्युनिकेशन नेटवर्क जब फेल हुआ, तो फिर मैंने अपने जब वो लोग नहीं तैयार हो रहे थे, तो मैंने काफी बर्फ उठाया उनके टेंट के सामने रखा कि ये लोग नीचे नहीं आ रहे. तो मैंने कहा इसको आप लोग मेल्ट करके पीते रहना, क्योंकि उनके ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा तो और मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि पानी पीते रहने से ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहता है, और क्योंकि डिहाइड्रेट हो जाएगा नहीं तो. फिर मैंने वहां से ये डिसीजन लिया कि मुझे नीचे जाना पड़ेगा और एक हेल्प भेजनी पड़ेगी इन लोगों के लिए. तो जब मैं नीचे जाने लगी, तो मैं 20 मिनट के बाद लगभग अचानक तूफान और बढ़ गया, यानी कि 120 की स्पीड थी 180 में कन्वर्ट हो गई. इतना जबरदस्त था कि मुझे मैंने लकली जस्ट एंकर, मेरा एंकर हुआ और मुझे लिफ्ट किया विंड ने, पूरा साइक्लोन ऐसे मुझे उठा करके हवा ने बिल्कुल उठा के और फेंकता रहा मुझे. तो मेरा जब मैं बार बार गिरती थी, जहां पे नोट होती थी उनकी रस्सी में जहाँ गांठ होती थी वहां जाके अटकती थी मैं, और वहीं से फिर मैंने जैसी चेंज करती थी बड़ी हिम्मत करके. तो मेरा फोर्थ फॉल जब हुआ, तो मुझे लगा अब मैं नहीं बचूंगी. मुझे ये फीलिंग आ गई थी, क्योंकि मेरे हाथ जो है वो श्रिंक होने लग गए थे, तो मुझे ये लगा अब मैं नहीं बच पाऊंगी. लेकिन मेरे पेरेंट्स का चेहरा मेरे सामने आने लगा था. अचानक मेरे मन में एक बात आई, नहीं तुम जिंदा हो इस वक्त, डोंट गिव अप. और मैंने उसी वक्त, क्योंकि जो मेरे अंदर एक हिम्मत जो थी ना, हिम्मत जो थी वही मेरा एक सहारा बनी. और उस हिम्मत ने मुझे एक आइडिया दिया कि मैंने दाएं देखा और बाएं देखा, तो मैंने देखा दाहिनी तरफ एक जगह है जहां अगर मैं अपने आप को फेंक देती हूँ, वहां मैं फॉल लेती हूँ, तो मैं बच जाऊंगी. और मैंने यहाँ साइंस का प्रयोग किया कि जैसे ही हवा घूमती थी, मैंने अपनी बॉडी को ट्विस्ट उसी हिसाब से किया और जाकर के मैंने वहां पर अपने आप को थ्रो किया. और वहां पर मैंने काफी कोशिश की कि मेरे हाथ, क्योंकि श्रिंक ऐसे होने लगे थे, फ्रोस्टबाइट हो गया था, तो मैंने काफी कोशिश की कि ये इनमें सर्कुलेशन हो, नहीं हो रहा था. तो फिर मैंने क्रॉल करना शुरू किया और समा मैं कैंप टू में पहुंची. कैंप टू में जब पहुंची, तो डॉक्टरों ने कहा कि ये हाथ नहीं बचेंगे. वहां दो डॉक्टर थे जो ब्रिटिश और अमेरिका के, वो एक रिसर्च वर्क के लिए आए हुए थे, और उन्होंने कहा मेरे हाथों को देख करके कि हैंड्स आर वेरी वेरी सीरियसली इंजर्ड और ये बच नहीं पाएंगे. कैन इमेजिन कि अगर आपको इतनी यंग लड़की को ये कह दिया जाए कि आपके हाथ कट जाएंगे पूरे, बच नहीं पाएंगे, तो मन में बहुत नकारात्मकता आ जाएगी. लेकिन यहां मैं आप लोगों से एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कहना चाहूंगी, मेरी सिर्फ यह हाथ कैसे बचे, अपने ऊपर मैंने विश्वास किया और मेरे भोले से मन ने कहा कि नहीं मेरे हाथ बच जाएंगे. तो मुझे एकदम याद आया, बच्चों जब टीचर कुछ पढ़ाती है उस वक्त हमेशा अटेंटिव रहना चाहिए. क्यों? क्योंकि उस वक्त वो क्या पढ़ा जाएंगे आपके जीवनदाय नहीं बन सकता है वो चीज. और वो मेरे साथ हुआ, मेरे टीचर ने पढ़ाया था कि एटीट्यूड सिकनेस कभी भी कुछ भी होता है, तो इट्स द बेस्ट
I think we're having some internet connectivity issues. Santosh, ma'am, could I hear you? Maggie, yes, ma'am. उसके बाद क्या हुआ कि मुझे नीचे जाने का डिसीजन, लोगों ने कहा कि 6 आवर्स लगेंगे नीचे जाने के लिए, दैट टू ऑन फुट, एंड उसमें भी मुझे कम से कम मोर देन 100 लेडर्स क्रॉस करने हैं क्योंकि क्रवसेस होते हैं और बहुत डीप क्रवसेस थे वो, यानी बर्फ की दरारें और उसके ऊपर लेडर्स लगे हुए, और लेडर्स जो है उसका एक 20 फुट भी है, 10 फिट भी है, और चौड़ाई जो है सिर्फ 1 फिट है, तो मुझे कोई दूसरा मदद भी नहीं कर सकता. एनीवे मैं वहां पहुंची बेस कैंप में उसको क्रॉस करके, और वहां पे फिर डॉक्टर रीटा पटेल ने मेरे हाथों की कंडीशन देखा और कहा कि ये तो बहुत बहुत दिक्कत वाला बात है. वो रोने लग गया, ऐसे तुम रो मत, सब लोग मेरे हाथ देख के परेशान हो रहे, और लेकिन मैंने अपने आप को संभाले रखा है, नहीं मेरे हाथ बचेंगे, आप सिर्फ लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चालू कीजिए, मेरे हाथ बच जाएंगे. उन्होंने कहा हेलीकॉप्टर मंगाना पड़ेगा. ऐसे नहीं, मैं हेलीकॉप्टर का इंतजार नहीं करूंगी. अगर मैंने हेलीकॉप्टर का इंतजार किया तो अगर हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर पाया, मौसम खराब हो गया, आई हैव फुल फेथ ऑन माय टू लेग्स, ऐसे मैं पैदल जाऊंगी. और मैंने 5-6 घंटे आराम किया. सवेरे 1:30 बजे उठी मैं, माने रात के 1:30 बजे उठ करके तैयार होकर के मैं 2 बजे वहां से मूव हो गई. लगातार 4 दिन के रास्ते को मैंने 23 घंटे में पूरा किया. मैं कंटिन्यूसली चलती रही, और मुझे लगभग 8-9 बजे सुबह के पता चल गया था मेरे हाथ बच जाएंगे. यदि मुझे हेलीकॉप्टर उठा लेता तो मेरे हाथ नहीं बचने थे, क्यों हेलीकॉप्टर एक जगह से उठाता मुझे दूसरी जगह रख देता. लेकिन मैं पैदल जब चली तो मेरा ब्लड सर्कुलेशन हुआ और मेरे टिश्यूज रिवाइव होने लग गए. द सेम डॉक्टर मेट मी इन जापान, व्हेन दे सॉ माय हैंड दे वर सरप्राइज, दे सेड संतोष इट्स अ मिरेकल, वी कांट बिलीव इट्स द सेम हैंड, आई सी इज द सेम हैंड, सो इट्स अ मिरेकल. And then immediately they start checking my oxygen saturation. Then they brought some machine and we were, hum log pura all over world se mountaineer ikhatte hue the. Aur unka sabka oxygen saturation jab napa gaya, to mera oxygen saturation sabse acha paya gaya. To ye to kar rahe the, lekin main soch rahi thi, I was imagining how things were happening, क्योंकि मैं साइंस की स्टूडेंट नहीं थी, पर मैंने फिर भी, क्योंकि साइंस मेरे कहीं ना कहीं एक जहन में थी, मैंने इसका साइंस क्या निकाला कि मेरे हाथ क्यों बचे. अब ध्यान से सुनना बच्चों, आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों की लाइफ में. कभी भी नकारात्मक चीजें अगर दिमाग में आती है तो ये सबसे बड़ा आपके लिए बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है. चाहे मेरे सामने, मुझे पता था कि मेरे, क्योंकि डॉक्टर तो बाद में देख रहा है, पहले मैं, क्योंकि एक हर इंडिविजुअल आदमी अपना डॉक्टर होता है, उसके अंदर क्या फील हो रहा है वो उसको पता होता है. मुझे फील हो रहा था कि मेरे हाथ डेड हो चुके हैं, मेरे हाथ डेड हो चुके, कोई फीलिंग नहीं हाथों में. उसके बावजूद भी मैं अपने ऊपर एक विश्वास क्रिएट कर रही हूं और अपने आप को झूठा दिलासा दिलाया मैंने कि नहीं मेरे हाथ बच जाएंगे. कैन यू इमेजिन, दैट इज अगेन साइंस. हाथ मेरे कैसे बचे, क्योंकि जैसे ही मैंने अपने ऊपर विश्वास करना शुरू किया, मेरे हार्मोन्स जो है वो बहुत सकारात्मक रूप से काम करने लगे थे. और जब आपके हार्मोन सकारात्मक रूप से काम कर रहे थे तो आपको सही निर्णय लेने के लिए आपको प्रेरित कर रहा था. मेरे लिए हेलीकॉप्टर मंगा रहे थे, बट स्टिल आई रिफ्यूज फॉर हेलीकॉप्टर, आई सी मैं पैदल जाऊंगी. एक पॉइंट तो आपका, फिर हमारा ऑक्सीजन सैचुरेशन क्यों ठीक था, क्योंकि एक तो बच्चों में सवेरे जल्दी उठती थी, चाहे मेरे लंग्स लोग डॉक्टरों ने छोटे बता दिए, मुझे फेल कर दिया मेडिकली, बट बिकॉज ऑफ गेटिंग अप अर्ली मॉर्निंग आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन अच्छा रहता है, नंबर वन. नंबर टू, क्योंकि हम सुबह जल्दी उठते थे, ऑक्सीजन सैचुरेशन ठीक है तो हमारी समझ अच्छी हो जाती है. आपकी जब समझ अच्छी हो जाती है तो आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है, आपका बीपी का कभी जीवन में प्रॉब्लम नहीं होगा. आपका जो टेम्परमेंट होता है
वो बहुत ही बैलेंस हो जाता है इनफैक्ट. एंड ड्यू टू बैलेंस टेम्परामेंट आई वॉज हैविंग अ गुड ऑक्सीजन सेचुरेशन एक्चुअली, और उसी की वजह से आज मैं दसों उंगलियों के साथ में हूँ. नंबर टू, अब यहाँ कर्म प्रारब्ध की बात भी आ गई. कैसे? क्योंकि मैंने मैंने एक्शन तो लिया था, मुझे रिएक्शन मिला कि मुझे माई हैंड बिकम इंजर्ड, आई वॉज इंजर्ड, पर मेरा इंटेंशन क्या था? मेरे साथी लोगों को बचाने का इंटेंशन था, इसीलिए ईश्वर ने यह मिरेकल किया कि मेरे हाथ को बचा दिया, दस उंगलियां बच गई. तो वेन योर इंटेंशन आर गुड, यू आर डूइंग गुड थिंग, आप चोट खाकर भी आप संभल जाते हैं. इनफैक्ट मैंने ऑक्सीजन जब दिया था 12 मई को, याद है मुझे अभी भी, 1992 को, तो मैंने इस बात को किसी को नहीं बताया आकर के. लोग पानी नहीं देते इनफैक्ट, और जब हमने पानी ऑक्सीजन दिया तो मेरे जो लीडर मिस्टर हुकम सिंह, जब उनको पता चला कि मैंने उनको ऑक्सीजन दिया, 3 दिन तक उनको पता ही नहीं था इस बात को, तो पहले हमको बुलाया और हमको डांट लगाए कि तुमने इतना बड़ा न्यूज को छुपाया, ये बहुत बड़ा न्यूज बन सकता था. आई सेड प्लीज सर इसको न्यूज नहीं बनाना, मैंने उसको न्यूज बनाने के लिए ऑक्सीजन नहीं दिया था, इसको किसी को बताना भी नहीं है, मैंने सिर्फ उसकी जरूरत ही उसको पूरा किया था. आप बताएंगे तो मैं इसको रिफ्यूज कर दूंगी कि मैंने उसको हेल्प की थी, आप नहीं बताएंगे. फिर उन्होंने कहा कि तुमको कुछ हो जाता, तुमने ऑक्सीजन कैसे दे दिया अपना निकाल करके. वो इतना 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 क्रूशियल पीरियड था वो, कि टॉप पे तुम अपना ऑक्सीजन रिमूव कर रही हो अपने मुंह से, तुम कलेप्स कर सकती थी. पर मैंने कुछ बोला नहीं उनको, और उन्होंने कहा जो मूर्ख लड़का है, आदमी हो तो मर जाना तो ठीक था, तुमने क्यों ऐसा किया? मैं क्या जवाब देता? मुझे काफी डांट पड़ा. लेकिन वो उसके मरने के, जब वो एक्चुअली उनको कैंसर हो गया, और वो कैंसर होने से पहले उनका जब डेथ डिक्लेयर कर दिया गया था कि कुछ ही महीने के हैं, उन्होंने मरने से 3 दिन पहले मुझे बुलाया. मैं ज्यादा तो उनके पास ही रहती थी, लेकिन उनके उनके मुझे बैठाया अपने पास और कहा कि बेटे कुछ बातें हैं जो कि मुझे प्रॉमिस करोगे तुम. हाँ सर, क्या सर? नंबर वन, ये बात कोई नहीं जानता कि तुमने मोहन सिंह को ऑक्सीजन दिया था, और ये बात तुम्हारे बायोडेटा में आना चाहिए, सो दैट बच्चे आने वाली जनरेशन उससे इंस्पायर हो सके. तुम मुझे वादा करो. दूसरी बात, जो आप वहां से कचरा भी लेके आई, 500 केजी गार्बेज लाई, उसके विषय में तुम किसी को बताने नहीं देती हो, कि तुम बोलती हो कि दिखावा हो जाएगा. ये तो मेरा अपना पैशन था, मेरा मन में था, मैं लेके आई. इसको भी आना चाहिए बच्चों के लिए, एनवायरमेंट के प्रति वो लोग काफी जागरूक होंगे. तुम मुझे वादा करो, मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा, लेकिन तुम मुझे वादा करो कि ये चीजें जो है पब्लिकली आना चाहिए. तीसरा, उन्होंने एक और वादा कराया हमसे कि तुम राजनीति में जाकर के देश को कुछ सेवा कर सकोगी, ये अंदर से मेरी फीलिंग है, और तुमको ज्वाइन करना है. लेकिन मैंने उनका 2 वादे तो पूरे किए, तीसरे वादे में हमेशा मैं अटकती रही, क्योंकि मेरे जो छोटे बच्चे हैं, और मेरी बेटा अभी 12th में है, बेटी अभी 11th में है. पॉलिटिकल ऑफर तो मुझे बहुत पहले से मिलना शुरू हो गया था, लेकिन हमेशा मैंने अपनी, मैम मैं कहना चाहूँगी, मैं जॉब में भी नहीं हूँ इस वक्त, मैंने रिजाइन कर दिया जॉब से भी. 7-8 साल की नौकरी किया मैंने. I did not take any assignment. No worries, ma'am. You are doing a very good job right now. आप हमें अपना टाइम. जी जी जी, मैं बच्चों के बीच में जाती हूँ, उससे ज्यादा बेटर जॉब मुझे भी लगता. जी जी जी, जो ये वही सबसे बढ़िया जॉब है मेरे लिए एक्चुअली, ऐसा मैं समझती हूँ. एनी वे, दैट वॉज द थिंग मेरी लाइफ में जो हुआ. तो ये एक मैं बच्चों ये बताना चाहूंगी कि सकारात्मकता जो है ना, वो आपको कहाँ से कहाँ ले जाएगी. ये वही सबसे सुखद अनुभव है, वही प्रेम देता है, वो दूसरे से प्रेम करता सिखाता, अपने आप से भी सिखाता है इनफैक्ट. और इसलिए ये सरप्राइज है, मिरेकल है इनफैक्ट. मेरे हाथ कैसे बचे, मुझे भी सरप्राइज लगता है. जी, my doubt is if we should choose our career depending upon the salary that we get of the job that we are choosing, or should it be based just upon our interest. नहीं, मैं थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, इंटरेस्ट कभी कभी गलत भी हो सकता है,
हम कई बार मैं अपने बच्चों को कहती हूँ कि हमें कई चीजें अगर इंटरेस्ट सही है तो हमें जाना चाहिए, यदि हम हमें कोई चीज अच्छी लग रही है लेकिन वो सही नहीं है तो वी शुड गिव अप। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर कोई चीज अच्छी है सही है पर हमें अच्छी नहीं लग रही है तो हमें उसको पाने के लिए प्रयास करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मुझे ये लोगों ने कहा कि आपने अभी से क्यों गिव अप किया, मैंने 29 की, मैं 29 साल की थी तो मैंने माउंटेनिंग को गिव अप कर दिया था, मैंने इवन राजनीति में गिव अप किया, मैं 26-27 की थी, 28 ऐसे उम्र था तभी मुझे राजनीति के ऑफर्स मिलने लगे, मैं गिव अप करती रही इवन 2015 में तक मुझे आते रहे लेकिन मैं गिव अप करती रही क्योंकि मुझे ये पता था कि मेरी प्रायोरिटी इस वक्त मेरे बच्चे हैं, वो छोटे हैं और सबसे इम्पोर्टेंट कि क्योंकि प्रायोरिटी ऑफ वर्क और सही क्या है मेरे लिए, क्योंकि मेरी सास ससुर नहीं रहे इस दुनिया में और भी कई ऐसी चीजें थी, तो इसलिए कई चीजें हमें मतलब अच्छी नहीं लगती लेकिन वो सही है तो हमें करना चाहिए। क्या बच्चों कुछ इस पे कहना है, आप लोगों को कुछ कहना है? If you have any doubts about it, you can counter me. Do we know what is wrong and right depending upon decision for our career? मैंने बताया आपको, but definitely आपको बहुत छोटा बच्चा भी ये जानता है कि क्या सही है क्या गलत है, आप तो बड़े हो गए हैं बच्चा और आप ध्यान से सुने, आप सवेरे उठेंगे जल्दी तो आपको 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 डिसाइड हो जाएगा कि आप सही क्या है और गलत क्या है। इवन खान पान में जब आपने शुरुआत, जिसकी वजह से हम जिंदा है, यदि आपने पता है कि कोल्ड ड्रिंक एक अच्छी चीज नहीं है लेकिन हमें अच्छी लगती है, चिप्स कुरकुरे अच्छा चीज नहीं है पर हमें अच्छा लगता है, वो सही नहीं है, तो ये चीज सोचनी है। तो जब जब आपने अपने खान पान पे ध्यान दे दिया कि क्या सही है क्या नहीं है तो डेफिनेटली करियर पे अपने आप आ जाएगा। आपको पता है कि सुबह उठना जल्दी अच्छा होता है और ये सही है, फिर भी आपको अच्छा नहीं लगता सुबह जल्दी उठना, नींद अच्छी लगती है, एग्जाम्स है तो आपको यू हैव टू अवॉइड दैट नींद कि अभी पढ़ना है। तो ये चीज ना करियर भी चूज करने का एक अपने आप ही, जब आप कभी ध्यान करेंगे, ध्यान की अवस्था क्या होती है बेटा, आप कभी ध्यान करें है ना, तो उसमें अपने आप ही आपको करियर चूज करने के लिए, जैसे मेरे पास मेरे सामने बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो कि मुझे ये पता था कि नहीं ये सही चीज नहीं है, I guess what ma'am wants to convey to your children is that you cannot mistake interest only, and you cannot take interest as the only factor to decide on what you need to do in life, right? Mm-hmm. We can have various interests at different points of time, but then we must choose very carefully, decide very carefully, and then go for it. Take it? Yes. Yes. Next, children, I think we should ask maybe two more questions. So, who's the next child who wants to ask the question? Ma'am, can I? Ma'am. Yes, please go ahead. Hello, ma'am. I'm Santosh, ma'am. Good afternoon. My name is Ananya Krishnan and I'm from class 9A. So, it is really a pleasure to be talking to you. Success, as they say, is reaching the pinnacle of what you do, but you have done so much in your life and achieved such great feats. If you could go back and change one thing in your life, what would it be? Haan, very nice question you asked me, very intelligent question. actually, mere liye bhi, और मैं रोजाना हमेशा इस प्रार्थना करती हूँ ईश्वर से और सबके लिए भी,
कि आवश्यकता में जीना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड हेल्थ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इनफैक्ट. ये एक मेरे पूरे देश के लिए मेरा एक सपना है कि हर नागरिक जो है वो स्वस्थ रहे, और स्वस्थ रहने का एक ही तरीका है जो मैंने बोला, आवश्यकता में जीना ही नहीं बल्कि अपने कर्म अच्छे रखना है, अपने एक्शन, एक्शन शुड बी वेरी गुड इन फैक्ट. और वो एक्शन केवल हमें व्यवहार से है, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए. तो उसके लिए मैं प्रयास करती हूँ कि मेरा हमेशा व्यवहार ठीक रहे और ताकि मैं इसके ऊपर लोगों को भी क्योंकि जब तक मेरा व्यवहार ठीक नहीं होगा मैं किसी को कह नहीं सकती हूँ. हमेशा वन शुड प्रैक्टिस फर्स्ट हिम और हर सेल्फ एंड देन. तो ये मेरा हमेशा रहेगा कि लोग अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दें और आवश्यकता में जिए. ये एक बहुत बदलाव की, रेवोल्यूशन की आवश्यकता है पूरे भारत देश में ही नहीं, पूरे विश्व में इनफैक्ट. एंड देन वी कैन नॉट ओनली वी आर वी शुड बी कंसर्न अबाउट नॉट अबाउट आवर सेल्फ, बिकॉज ये हमारा पांच तत्वों से जो बना हुआ शरीर जो है, हमारा जो ब्रेन काम करता है इनफैक्ट. इसलिए मैं हमेशा ये बात जरूर कहूंगी कि हमारा, क्योंकि आप बड़े हो रहे हैं इस बात को जरूर समझेंगे, प्रीनेटल केयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनफैक्ट. आप जब बड़े होंगे तब इस बात पे ध्यान देना जरूरी है कि हम इस दुनिया में आए हैं हमारे माता पिता के कारण आए हैं, और हमारे माता पिता जो हैं वो एक, उन्होंने हमारा जो पांच तत्व से शरीर बना हुआ है, यदि हमारे अंदर अग्नि तत्व ज्यादा हो गया है, नहीं द फाइव एलिमेंट्स, इफ फायर इज मोर देन विल बी वेरी एंग्री, इफ मोर वाटर, वी नीड टू हैव बैलेंस इन फैक्ट. तो हम गर्भ में जब बच्चा आ जाए उसके बाद हम तैयारी करें कि अच्छी बुक्स पढ़ना चाहिए, अच्छे रिलीजियस होना चाहिए, अच्छा हमें न्यूट्रिशियस डाइट लेनी चाहिए. अच्छा ठीक है, वो हो सकता है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि गर्भ में आने से पहले तैयारी होना चाहिए. एक किसान जब खेती करने जाता है तो सीडिंग से पहले, क्योंकि मदर इज ए लाइक ए भूमि और पिता इज ए लाइक ए सीड, तो जब एक किसान खेती करने जाता है तो पहले वो भूमि की तैयारी करता है, उसको खूब अच्छे से वो हल चलाएगा, सुखाएगा, उसको क्यारी बनाएगा. उसके बाद वो जब सीडिंग करने से पहले उस सीड को देखता है कि क्या ये सीड जो है इसमें कोई कीड़ा तो नहीं है, कोई घुण तो नहीं है इसमें. और जब वो सीड बहुत अच्छा होता है उसको धूप भी लगाता है. उसके बाद वो सीड को लगाने से पहले ही ऑलवेज चेक कि हमारा कौन सा तिथि है, शुक्ल पक्ष है या कृष्ण पक्ष है, हमारा हवा का पोजीशन क्या है, कि क्या हमारा हवा परवा है या पश्चवा, पश्चिम की तरफ से आ रही है या पूर्व की तरफ से आ रही है, तो कौन सा बेनिफिट है उस बीज के लिए, खाली तो नहीं चला जाएगा ये. एक किसान 6 महीने की खेती की कितनी तैयारी करता है मेरे बच्चों, लेकिन हम इंसान की खेती इसकी कोई तैयारी नहीं कर रहा है. और हमारा शरीर जो है वो 100 ईयर्स भी जीता है, 50 ईयर्स भी जीता है, 25 ईयर्स भी जीता है, 70 ईयर्स भी जीता है, और हमारा जो मस्तिष्क है इसमें अगर कोई भी थोड़ा सा भी एरर है वो पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित करता है इनफैक्ट. सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. अगर हमें समाज को चेंज करना है, जो बहुत प्यारा सा बच्ची ने क्वेश्चन पूछा था, ओनली दिस इज द ओनली, क्योंकि स्वास्थ्य ही, एक स्वस्थ माता पिता ही मेंटली एंड फिजिकली एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकते हैं. क्योंकि उनको पहले, बच्चे को जन्म देने से पहले अपने आचरण को बढ़िया करना होगा. जिस तरीके से एक किसान अपनी बीज को और भूमि को अच्छा कर रहा है, उसी तरीके से एक माता एक भूमि होती, वो अपने अपने आचरण को बढ़िया रखे. पिता एक बीज होता है, उसको भी कोई ऐसी नशे की चीजें नहीं लेनी चाहिए जिसका कि प्रभाव उस बच्चे पे पड़ता है. क्योंकि जो भी किसी भी तरीके का नशा होता है, चाहे ड्रिंक है, स्मोक है, यानी अधिक भोजन करना भी एक नशा है, उससे अगर एक बच्चे का जन्म होता है,
अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को कहूंगी, आवश्यकता में जीना, मैं बार बार बोल रही हूँ तो, लेकिन हमें ये पहचान होनी चाहिए कि आवश्यकता क्या है। जैसे मैं तीन ही आइटम बता दूंगी, उसके बाद आप खुद सोचना शुरू करेंगे कि कितनी अनावश्यक चीजें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे इस पृथ्वी को बचाना है। हमने टूथपेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारे दांत साफ होना चाहिए, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं है। टूथपेस्ट इज वेरी हार्मफुल क्योंकि इसमें फ्लोराइड होता है, ये हमारी सलाइवा को सुखाता है, उससे अच्छा, और हमारा एनवायरनमेंट को भी गंदा कर रहा है, हमारा पैसा भी जा रहा है इसमें। एनवायरनमेंट कैसे, क्योंकि फ्लोराइड पृथ्वी पे जाता है, उसके अलावा वो ट्यूब जो पेस्ट की ट्यूब है वो भी जाएगी। इससे अच्छा क्यों ना हम लोग डिग्रेडेबल, आप कहेंगे दातुन मैडम कैसे लाएंगे शहर में पेड़ नहीं, हम कम से कम प्रेरित तो होंगे पेड़ लगाने के लिए कि हमें दातुन करना है, पेड़ चाहिए तो हम पेड़ लगाएंगे। अभी वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट कि, क्योंकि हमने, हमारे पास रेडीमेड टूथपेस्ट आ रहा है, तो हम वी आर नॉट बॉदर्ड कि हमारे नीम होना चाहिए, कीकर होना चाहिए, हमें दातुन के लिए चाहिए। सपोज दातुन नहीं है आपके पास, आपको नींबू का छिलका तो है ना घर में, आप उसे साफ कीजिए। देयर आर मेनी वे टू क्लीन योर टीथ, डिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल है वो। इस तरीके से आप अपना घर का पैसा बचा सकते हैं, एनवायरमेंट बचा सकते हैं। उसी तरीके से आप लहसुन प्याज अदरक, ये एक भोजन नहीं है, ये एक औषधि है, औषधि को रोजाना नहीं लिया जाता आपको वह, क्योंकि जब इसको ग्रहण करते तो गैस्ट्रिक होती है, इसको पका हुआ ग्रहण करना ही नहीं चाहिए। लहसुन प्याज अदरक को कभी पका हुआ नहीं लीजिए, हम अदरक की चाय पीते हैं, इट्स वेरी हार्मफुल, कॉन्स्टिपेशन होता है, सिर दर्द होता है हमारा। लेकिन हाँ, आपको अगर लेना है तो कच्चा लीजिए। उसी तरीके से आपके घर में देखिए लहसुन प्याज अदरक का बिल बना लीजिए, कितना बच जाएगा पैसा आपका, आपका शरीर भी स्वस्थ होगा, आपके शरीर में गंध भी नहीं आएगा, और साथ में क्या होगा फिर, हम जब शरीर से गंध आता है तो हम एक और अनावश्यक चीजें डीओ इस्तेमाल करते हैं, विच इज अगेन वेरी हार्मफुल, वेरी वेरी हार्मफुल डीओ, क्योंकि वो एनवायरमेंट को सिंथेटिक, इनफैक्ट ओजोन लेयर को डिस्टर्ब करता है इनफैक्ट। और इवन लहसुन प्याज अदरक भी हम ग्रहण करते हैं तो इससे भी हम जब गैस पास करते हैं तो अधिक भोजन करने के बाद भी, इवन ये भी तो गैस भी एक मीथेन गैस होती है, वो भी पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित करती है, इनफैक्ट वो हमारे ओजोन लेयर को डिस्टर्ब करती है। उसी तरीके से आप चिप्स कुरकुरे ये सब, दीज आर ऑल प्लास्टिक के रैपर्स में होता है, वो प्लास्टिक का रैपर कहाँ जा रहा है, ये हमारी आवश्यकता नहीं। कहते हैं एक वक्त का भोजन करने वाला योगी होता है, दो वक्त का भोजन करने वाला भोगी, तीन वक्त का भोजन करने वाला रोगी होता है, ऐसे कहा है। एक मिनट, आप मैंने यहाँ पे मैं सुन रही थी कि लहसुन प्याज अदरक हमारे पहले ऋषि मुनि क्यों नहीं लेते थे, आज मुझे समझ में आता है। आपको पता है पायलट्स को मना किया जाता है, जिस दिन फ्लाइंग है उस दिन को लहसुन प्याज खाने के लिए मना किया जाता है, क्यों, क्योंकि हमारे एक्शन स्लो हो जाते हैं, इनफैक्ट डिसीजन स्लो हो जाता है। मुझे अभी ऐसे याद आता है कि जब मैं माउंटेनिंग में थी तो मुझे जब भी कोई समस्या आती थी वहां पे एक्सपीडिशन में, तो मेरे टीचर मुझे बुला देते थे, जो मेरे हमारे लीडर थे, कि पकड़ के लाओ, कहाँ गई है, कहाँ होगी, मैं अपने निकल जाती थी घूमने, तो मुझे बुलाया जाता था कि समस्या का हल ले करेगी। डिसीजन मेकिंग बहुत जबरदस्त, मैं अपने आप से मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे डिसीजन मेकिंग बहुत जबरदस्त था। यदि हम वो डिसीजन नहीं लेते मोहन सिंह नीचे नहीं आ पाता। उसी तरीके से ऐसे मैंने बहुत डिसीजन लिए, इनफैक्ट इतने इतने कम उम्र में मैं इतने क्रिस्प डिसीजन तुरंत लेती थी। उसका कारण आज मुझे समझ में आता है कि मैं बहुत सिंपल फूड लेती थी, इनफैक्ट। तो ये सब चीजें आप जैसे जैसे, ये शरीर है, ये मन है, इसको जैसे आदत डालेंगे, अगर अच्छी चीज के लिए आदत डालेंगे तो आप अच्छी चीज पाएंगे, गलत चीज के लिए आदत डालेंगे तो गलत चीजें। इसीलिए हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि पूरे ब्रह्मांड को सुरक्षित रखना है तो हम इंसान को सबसे पहले अपने आप को सुरक्षित करना होगा।
Ma'am, I think very inspiring words. Our dear students, I know you have plenty of questions in your kitty, but I guess we are looking at the clock also. And may I now request Utkarsh to please propose the vote of thanks. And children, we can request ma'am to give us her ID, mail ID, so that whenever you have a question, you may please feel free to write to her. Sure, and sure. Yeah, anytime, anytime. Even they can call me also. They can call me. Right. If sometimes I don't attend call, I reply back, in fact. Okay. Yes, ma'am. Very sweet of you. Utkarsh, please. My email ID is santoshyadav.ms@gmail.com. My phone number is 7 00 2 3 5 4 5 9. Thank you so much, ma'am. Utkarsh, please take over. If Utkarsh is not present, Utkarsh, are you there, Utkarsh? Unmute yourself. Now? Yes. No, we can't hear you. Lavanya, ma'am, could you please help him? I think he's not able to unmute himself. We'll propose the vote of thanks, ma'am. No issues. Yes, right? Ma'am. थैंक यू सो मच संतोष मैम, इट वॉज अ प्लेजर लिस्निंग टू यू. आपने बहुत अच्छे शब्दों में आई थिंक इतना इंस्पिरेशन बच्चों को दिया है. दे हैव ऑल लुक्ड फॉरवर्ड टू मीटिंग यू एंड यू मेड इट हैपन टुडे. वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर दैट मैम. एंड विद ऑल दीज क्वेरीज दैट दे हैव राइट बैक टू यू एंड दे विल ऑल्सो स्पीक टू यू. थैंक यू सो मच मैम फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर अस. और आपने इतने अच्छे तरीके से हमको समझाया, बच्चों को भी समझ में आया कि कैसे वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है हमें लाइफ में कुछ करने के लिए. आई थिंक चिल्ड्रन दे कुडंट बी अ बेटर एक्सपीरियंस देन दिस. राइट, थैंक यू सो मच मैम फॉर जॉइनिंग अस. थैंक यू फॉर टेकिंग आवर टाइम. वील अगेन गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल. धन्यवाद. थैंक यू डियर चिल्ड्रन फॉर पेशेंटली लिस्टिंग. थैंक यू टू डू द टू एंकर्स हु हैड स्पोकन सो वेल. राइट, very nice. And a special thanks to Atisha, who had taken this initiative of connecting to Santosh ma'am all the while. It was, you know, something that she did, so she took up the initiative, and that is how we've been able to meet ma'am. So special thanks to Atisha as well. Thanks to Keerthi ma'am and Lavanya ma'am also, who coordinated. Thanks to Shrabani ma'am also, who had been a great help in this program. And to the IT support as usual, without which any event is not successful. Thank you so much, Santosh ma'am. Ma'am, I wonder if she was able to hear us. Santosh ma'am, are you there? Can you hear us? I think there is a connectivity problem. Okay. She got locked out. Santosh ma'am left the meeting. Yeah, looks like. Okay, then ma'am, we'll call her up. And you convey that to her and send a mail. I will. Okay, dear children, thank did you so learn? Much, ma'am. Right. Should end the meeting now, Lavanya.